Yes. Yes. <coughs> you are now unmuted. Yes. Hello everyone. Good morning. चलिए तो आज आपका एक और नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक कोई ऐसा बच्चा जिसको ऑर्गेनिक नहीं आती है जो ऑर्गेनिक से डरता है कोई ऐसा बच्चा जिसको ऑर्गेनिक आती है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फिजिकल आती है ये टॉपिक सबके लिए न्यूट्रल टॉपिक है आपको इसके अंदर कुछ नहीं आता तब भी बहुत कुछ सीख जाएंगे और अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो इस लेवल पे लेके जाएंगे आपको कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टॉपिक में दमखम रखेंगे ठीक है तो बहुत ही ध्यान से पूरा लेक्चर अटेंड करना है आज लगभग मैं कोशिश करूंगा कि छह से सात आठ लेक्चर लग सकते छह से आठ वेरी कर सकता है डिपेंड करता है कि पेस क्या रहती है और वो चीज वो हम मैनेज कर लेंगे उसकी टेंशन आप ना लें तो अब जितने भी दिन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे आपसे मेरे बस एक रिक्वेस्ट रहेगा लेक्चर कर लिया उसके बाद नोट जरूर रिवाइज करके आइएगा और अगर और करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आइएगा बस इतना करके आइएगा ठीक है आपका नेट के अंदर जितना भी मार्क्स के स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है वो मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे ठीक है बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है इजी टॉपिक होता है क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं सीधा दिख रहे होते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल है कॉन्सेप्ट पता होता है तो मार्क्स गेन कर ले जाते हैं ठीक है तो इस वजह से ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है आज हम इसका लेक्चर नंबर वन डिस्कस करेंगे ठीक है थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका बदल जाता है इस टॉपिक के अंदर क्योंकि पहले मैं अच्छा कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग देख ली है कोई भी ऐसा भी है जिसने पहले से रिकॉर्डेड क्लास देख ली है नहीं देखी बहुत बढ़िया अगर जिसने देखी है कोई आ, और भी अच्छी बात है आपके हैंड रिटेन नोट्स बने हुए हैं बस आपको कुछ नहीं करना पढ़ना है और इस लेक्चर में सुनना और समझना ज्यादा है छापना कम है ठीक है नोट्स बना लेना आराम से नोट्स में कोई दिक्कत नहीं पीडीएफ मिल जाती है सुनना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं पहले बेसिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा पहले आपको एनएमआर समझाऊंगा कि क्या होता है कैसे चीजें बनती हैं कहां से चीजें ओरिजिनेट होती हैं सीधा मैं टॉपिक पे जंप नहीं करूंगा आइए लेक्चर वन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा टॉपिक होगा जनरली जो बच्चे यहाँ पर होंगे वो ये तीन एग्जाम से टारगेट कर रहे हैं इसके अलावा भी आप हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे सीएसआईआर नेट में हर साल का पैटर्न है तीन से चार सवाल स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक से आता है तीन से चार सवाल जिसमें से एक सवाल तो चार मार्क्स का होता है किस्मत अच्छी हुई तो दो सवाल भी चार मार्क्स के अंदर मिल जाता है किस्मत क्या मतलब कई बार देखा भी गया है दो दो सवाल मिल जाते हैं इसका मतलब आठ नंबर और अगर बाकी जोड़ लें तो कह लीजिए कि आठ से बारह नंबर तक का जो रेंज है वो इस, इस अकेले टॉपिक से पाया जा सकता है बहुत आसान होता है सिक्योरिंग सेट में भी यही है और गेट में भी यही हिसाब है अब इस टॉपिक के अंदर हम करते क्या है तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं उनके लिए एकदम कह सकते हैं आप आ, बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन करता है जैसे मान लीजिए आप कभी आईआईटी जैम भी जानना चाहते हैं तो जैम में भी वही सीक्वेंस रहेगा एक से तीन क्वेश्चन वाला ठीक है तीन नहीं जैम में दो कर लीजिए एक क्वेश्चन आता ही आता है बहुत किस्मत हुई तब दो क्वेश्चन आएगा ठीक है जैम ये जैम का हिस्सा है

वो हर बार जाते थे लैब में वो अपने सैंपल को एक बहुत ही पतली सी ट्यूब में भरा करते थे याद करिए बहुत पतली सी ट्यूब में हल्का सा चुटकी भर डालते थे और पहुंच जाते थे एनेमार लैब में कि हमें एनमार लेना है या फिर आई लेना है या फिर यूवी लेना है तो कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है अगर वो सिंथेसिस में है सिंथेसिस में है तो उसके लिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट टूल होती है जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है इसीलिए हम इतना ज्यादा इसके पीछे पड़े होते हैं अच्छा ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक होता है इसके अंदर हम जब स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं तो किसके मदद से करते हैं तो एनालिसिस किया जाता है वाया लाइट एनालिसिस वाया लाइट क्योंकि हम लाइट की मदद से एनालिसिस करते हैं इस वजह से इसमें ये स्कोपी इंक्लूड होता है जब मैं आपको मास पढ़ा रहा तब मैं आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कभी नहीं बोलूंगा मैं वहां बोलूंगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये एक इंटरव्यू का भी सवाल है इसको हम बाद में देखेंगे जब मास स्टार्ट करूंगा अभी फिलहाल स्कोपी वर्ड इस बात को प्रूव कर रहा है कि एनालिसिस जो भी करी गई है वो लाइट के इस्तेमाल से करी गई है ठीक है इसमें एनालिसिस करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है लाइट का इस्तेमाल किया गया है लाइट से और अच्छा वर्ड में इस्तेमाल करूं तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएशन का इस्तेमाल किया गया है ई एम आर बोले तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया गया है फॉर एनालिसिस ऑफ

आप कभी एन लेते हैं कभी आई लेते हैं कभी यूवी लेते हैं सारे डाटा मिलाते हैं सारे जगहों से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं उनको मिलाते हैं तब आप किसी स्ट्रक्चर पर पहुंच पाते हैं ओके okay, इस वजह से सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आइए तो सबसे पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छा बात हमने करी है लाइट की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अब आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक है मैं सबसे पहले एनएमआर स्टार्ट करूंगा एनएमआर के थोड़े से पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक्स ले लेते हैं ठीक है देखो आपको पता है कि जो हमारा सन होता है दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी ये क्या लिखा हुआ है फ्यू हाई एनर्जी फोटॉन्स फ्रॉम दन सन क्या है सोर्स ऑफ लाइट है सन से लाइट रेज निकल रही होती है जो हमारे अर्थ सर्फिस पर आती है सही है अब ये जो लाइट्स हैं लाइट की आपने बचपन में सुनी होगी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, याद करिए एक होती है क्या आ, पार्टिकल नेचर और एक होता है नेचर। मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या सन से निकलते हैं फोटॉन्स। तो अगर मैं ये बोलूं, तो मैं पार्टिकल नेचर की तरफ जा रहा हूं अब जो ये फोटॉन्स हैं जो सन से निकल के हमारी तरफ आ रहे हैं ये ट्रेवल करेंगे तो ये अलग अलग वेवलेंथ से कर सकते हैं अरे भाई अरजीत सिंह क्या बात हो गई यार क्या प्रोडक्ट बना है स्पेक्ट्रो से किया जाता है क्या तो हम कब से क्या बता रहे हैं बताइए अरे यही तो बोल रहा हूं लैब में कुछ बनाओगे तो उससे ही करोगे अब अब क्या किस लैंग्वेज में बोलूंगे कैसे मान के मानोगे तुम स्ट्रक्चर बोला था अरे तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही तो आइडेंटिफाई करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या बनाया है समझे अरिजीत सिंह जब तक आप किसी चीज का स्ट्रक्चर नहीं पता करोगे तब तक कैसे पल चला गया आपने कौन सा मॉलिक्यूल बनाया ठीक है देखो तो हम कह रहे थे कि जो हमारा सन होता है वहां से लाइट लाइट आ रही होती है सोर्स ऑफ रेडिएशन वहां से अर्थ सरफेस पे लाइट आती है लाइट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं पार्टिकल और वेव बचपन में ऐसा हम हम पढ़ते हैं 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 तो हम ये कह सकते हैं कि से सिर्फ फोटॉन्स आते हैं। अब ये जो हमारे फोटॉन्स सन से निकल के आ रहे हैं ना कौन फोटॉन्स मान लीजिए ये एक फोटोन है अब आने वाले जो फोटॉन्स हैं वो अलग अलग वेवलेंथ से ट्रेवल कर सकते हैं ठीक है जैसे मान लो मुझे पता लगा कि कोई एक फोटोन ट्रेवल करता है तो वो पर्टिकुलरली कुछ इस वेवलेंथ से ट्रेवल करता है सर वेवलेंथ क्या होती है देखो किसी भी वेव में यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं एक सेकेंड मुझे इसको कंप्लीट करने दो मान लीजिए एक हमारे पास रेडिएशन है ये ऐसे ट्रेवल कर रही है अब किसी भी एक ऐसे टॉप से वैसे तो इसको क्या बोलते हैं एक को क्रस्ट और एक को ट्रफ बोलते हैं तो एक टॉप से दूसरे टॉप तक की जो डिस्टेंस होती है, है? मान लो कोई फोटोन कुछ इस वेवलेंथ से ट्रेवल कर रहा था तो कोई फोटोन कुछ इस वेवलेंथ से ट्रेवल कर रहा था और वहीं कोई फोटोन कुछ इस वेवलेंथ से ट्रेवल कर रहा था मतलब देर आर क्वाइट पॉसिबिलिटी ढेर सारे फोटॉन्स अलग अलग वेवलेंस से क्या कर सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं जब इन अलग अलग वेवलेंस को हमने बोल दिया, चलो यहां वन से ट्रैवल करता है उठा के एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया जाएगा तो जो तैयार होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने ऐसी एक स्पेक्ट्रम देखी होगी फिर सुनो फोटोन की डेफिनेशन ये क्या कर? क्या मानोगे तुम लोग होता है प्रिया ऐसे समझो ये ना छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जैसे सन से ना बहुत ढेर सारी एनर्जी निकल रही है तो सन से एक फोटोन निकलेगा जिसके अंदर कुछ एनर्जी होगी दूसरा निकलेगा जिसके अंदर कुछ एनर्जी होगी ऐसे समझ लो आप ठीक है पैकेट्स ऑफ एनर्जी हम बोलते हैं ठीक है चलो आ, या फिर ऐसे समझो जैसे मान लो कि एक बोतल ले लिया उसमें बहुत ढेर सारे कंचे रख दिए मैंने उन कंचों को बिखरा दो ढेर सारा तो एक कंचा एक फोटोन हो गया अब हर कंचा अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगा ना वैसे ही सन से निकलने वाले जो फोटॉन्स होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ से ट्रेवल करते हैं अब इसी को आप लोग इनकी जो एनर्जी होती है उसको किस रिलेशन से बताते हो न्यू e बचपन में पढ़ा होगा इज इक्वल टू से भी बताते हो इतना बेसिक्स तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आता है आप लोग एमएससी पास आउट स्टूडेंट हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं प्रिया की तरह कि नहीं इतना तो पता ही है ना यार इनकी जो एनर्जी होती है वो ऐसे बताते हैं ठीक है सर फोटॉन्स अलग अलग वेवलेंथ से ट्रेवल कर रहे थे हमने क्या किया अब इनको अरेंज किया और अलग अलग ब्लॉक्स में डाल दिया क्या मतलब है सर देखो पर्टिकुलर लेमडा वन का था वो कहीं यहां आ गया मान लो लेमडा टू का यहाँ का यहां इनको हमने अरेंज किया तो हमारे सामने जो निकल के आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं अब ऊपर देखो जो लाइट है ये ऐसे ऐसे जो बना रखा है इसके अंदर जो लाइट की वेवलेंथ नेचर मान लो लाइट जब ट्रेवल कर रही है तो अलग अलग वेवलेंथ से ट्रेवल कर रही है। सबसे लेफ्ट मोस्ट में वेवलेंथ बहुत अलग है सबसे राइट मोस्ट में जाएंगे तो वेवलेंथ अलग है राइट right? अब इसके अंदर आ, सबसे पहले जो आते हैं वो कौन है लॉन्ग रेंज वेव सबसे पहले कौन आते हैं आपके पास आप ऐसे लिख लो यहां पर कि सबसे पहले आते हैं रेडियोवेव देखो जरूरी नहीं है कि आप अभी इन चीजों को छापने बैठ जाओ लगो सजा सजा के बना दे सिर्फ सुनो समझो कहानी की तरह सब समझ में आएगा तो सर जो सबसे लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं वो कौन होते हैं आपके रेडियो वेव्स होते हैं हालांकि इन रेडियो वेव्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है ठीक है कौन कौन से एक लॉन्ग रेंज रेडियो वेव और एक रेडियो वेव आप पूरा मान के चलो कि ये एक रेडियो वेव का रीजन है अब जो भी फोटॉन्स इस वेवलेंथ के अंदर ट्रेवल करते थे उन सबको बोल दिया गया कि यहां पर ये रेडियो वेव्स कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके बाद जो इस वेवलेंथ से इस रेंज से इस रेंज की वेवलेंथ में ट्रेवल करते थे उनको बोल दिया गया कि वो माइक्रोवेव है फिर जो यहां ट्रेवल करते थे वो आई आर की रेंज में डाल दिए गए बीच में एक छोटा सा बनता है जो विजिबल रेंज बनाता है ठीक है उसके बाद आते हैं यहां से यहां यूवी रेंज फिर एक्स रेज और फिर गामा रेस बात समझ में आ रही है ये स्पेक्ट्रम में क्या क्या आपको याद रखना है पहले तो ये जो ऑर्डर है ये याद होना चाहिए जैसे पहले आते हैं वेव्स फिर आते हैं माइक्रोवेव्स फिर आता है आईआर फिर आता है आपका यूवी और थोड़ा सा विजिबल फिर आते हैं आपके एक्स रेस और फिर आते हैं आपके गामा रेस ये चीज याद होनी चाहिए याद करने का कोई तरीका है क्या सर देखो वैसे तो बहुत से लोगों को याद होता है पर आपको कुछ चाहिए ट्रिक तो हम दे देते हैं आर से होता है राजा एम से होता है महाराजा और राजा महाराजा पहले के जमाने में युद्ध बहुत लड़ा करते थे यार तो राजा महाराजा आई से होता है इन आई से होता है इन और अंडर यू से होता है अंडर एक्स से होता है एक्स्ट्रा और गामा से यार कुछ मिला नहीं तो बस वॉर करके समझ लीजिए मैंने कैसे याद किया हुआ है राजा महाराजा इन आ, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया ना राजा महाराजा इन वॉर हाँ नहीं ऐसे 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 याद करो भाई बड़ा टाइम हो गया है मैं भी भूल गया हूं इसको बना लेते हैं विजिबल ठीक है विजिबल का जो वी है वो स्टैंड करेगा किसके लिए वॉर के लिए पर वॉर तो आ, वी से होता है सर सॉरी डब्ल्यू से होता है ये तो नहीं बैठ रहा अरे इतना तो समझ सकते हो ना राजा महाराजा इन वॉर अंडर एक्स्ट्रा गार्ड सुनो राजा महाराजा इन वॉर अंडर एक्स्ट्रा गार्ड ऐसे याद रख सकते हो आपको नॉर्मल याद है तो नॉर्मल याद रखो जैसे मन करे वैसे याद रखो लेकिन ये ऑर्डर याद होना चाहिए अब इसके अंदर जब मैं इधर से इधर बढ़ता हूं तो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है डिक्रीज लेकिन जब मैं इधर से इधर बढ़ता हूं तो जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है इंक्रीज फिगर देखो वेवलेंथ इधर बहुत बड़ी बड़ी है दो ट्रफ या दो क्रस्ट या ऐसे बोलो जो टॉप या दो बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस है इस साइड ज्यादा है और उस साइड कम है तो वेवलेंथ बढ़ा तो एनर्जी कम क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन होता है अभी पीछे बताया हमने टू हमनेसली यस सर बहुत बढ़िया यानी इधर एनर्जी कम होगी और इधर वेवलेंथ ज्यादा होगी सबसे लोएस्ट एनर्जी का कौन होता है तो रेडियो वेव होता है सबसे हाईएस्ट एनर्जी का कौन होता है तो गामा रेज होती है गामा रेज बहुत खतरनाक होती है आप उनको अपने स्किन स्किन पे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ठीक है यूवी में ही कैंसर हो जाता है गामा और एक्स रेस तो छोड़ ही दीजिए ठीक है तो ये हो जाता है एनर्जी का ऑर्डर और ये लेमडा का ऑर्डर अब छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर समझना जब भी हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी के लिए मान लो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया और उस पर रेडियो वेव्स हमने डाल तो कुछ ना कुछ ट्रांजिशन होती हैं। अब इसकी एनर्जी इतनी कम होती है इतनी कम होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर ट्रांजिशन करवा पाता है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन करवा पाता है क्या होता है अब डिस्कस करूंगा लेकिन जब भी रेडियो वेव लूंगा इसकी एनर्जी इतनी कम है कि ये सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन करवा पाता है यही कारण होता है कि रेडियो वेव के अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है इसका जब रेडियो वेव से आगे आते हैं किसमें लेट सपोज माइक्रोवेव के अंदर आते हैं तो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है अब न्यूक्लियस से थोड़ा बाहर आएंगे तो जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे डालेंगे तो अब उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं आप यहां पर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं कौन सी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके अंदर क्या होते हैं बॉन्ड रोटेशन हो रहे होते हैं अब बॉन्ड्स रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं इधर न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन और इधर बॉन्ड में रोटेशन अब जब माइक्रोवेव से आई आर रीजन पे आऊंगा तो यार एनर्जी और बढ़ जाएगी और अब कुछ और भी बढ़िया चीज होने वाली है यानी कुछ और ऐसी चीज जो थोड़ा और ज्यादा मॉलिक्यूल को हार्म पहुंचाएगी जब आई आर रेस डाली गई तो बॉन्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं क्या करना है, स्टार्ट कर देते हैं वाइब्रेट तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पड़ी जाती है आई आर रीजन में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लिया होगा ना किसका इस्तेमाल किया था तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है कौन सी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आगे आते हैं जब आईआर से निकल के यूवी विजिबल पे आएंगे तो एनर्जी और बढ़ जाएगी और फिर और भी ज्यादा चोट पहुंचेगी मॉलिक्यूल को अब बात इतनी बढ़ गई है सर कि हम न्यूक्लियस से बाहर आए बॉन्ड का रोटेशन किया बॉन्ड को वाइब्रेट किया अब बॉन्ड में पड़े इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवा देंगे यानी यूवी विजिबल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात छिड़ गई है किसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं तो सर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो पढ़ते हैं बात समझ में आ रही है हाँ सर इसके बाद एक्स रेज आ जाते हैं फिर गामा रेज आ जाते हैं एक्स रेज में आप एक एक्सआरडी पढ़ते हैं पता नहीं आपने सॉलिड स्टेट में थोड़ा बहुत एक्सआरडी का नाम सुना होगा वहां पर हम एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं गामा रेज हमारे बस की बात नहीं है हम इसको नहीं कंट्रोल कर सकते किसी ने मार्वल्स कोई मार्वल्स का फैन है यहाँ पे एवेंजर्स है कोई है कोई ना कोई तो होगा ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी क्लास में कोई मार्वल्स का फैन ना देखी है? एवेंजर्स के अंदर हम्म बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो उसके अंदर जो हल्क होता है वो किससे बना होता है वो गामा रेडिएशन से बना होता है कई बार उसने डायलॉग भी बोला है मूवी के अंदर कि मैं गामा रेडिएशन से ही बना हूं ठीक है उसके ऊपर गामा का कोई फर्क नहीं पड़ता गामा बहुत खतरनाक होती है बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है। हमारे बस की बात की बाहर की बात है समझ में आ रहा है इसका मतलब हम जो अभी स्टडी करने वाले हैं वो कौन है एनएमआर और एनएमआर स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहा होते हैं सबसे लोएस्ट एनर्जी की जो वेव्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन करना है न्यूक्लियस के लेवल पे बात करनी है बताइएगा इस पेज की सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूंगा माफ करिएगा थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है पर मैंने समझाने की कोशिश करी ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया आगे आते हैं इसका मतलब सर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको एनएमआर को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को आइए अगर मुझे एनएमआर पढ़ना है तो एनएमआर समझने के लिए इसके तीन बेसिक पिलर्स होते हैं किसके एनएमआर के सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनएमआर में किन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया मैं फिर से कह रहा हूं नोट्स बनाने के चक्कर में बात चला जो मैंने समझाया वो आपने समझाई तो आप नहीं रेडियो, वेव का करते है। रेडियो वेव किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे लोएस्ट एनर्जी की वेव्स होती हैं इसके अंदर न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर रेडियो वेव्स डालेंगे तो उसके अंदर इनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि ये सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन करा पाते हैं। ये क्या होता है सर? देखो आपका जो न्यूक्लियस होता है ना वो भी रोटेट कर रहा उसकी भी दो स्पिन होती है कि तो हम इसको प्लस हाफ स्पिन बोल सकते हैं इसके अंदर हम बोलते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है ये कुछ इस फैशन में रोटेट कर रहा है और माइनस हाफ है तो ये कुछ इस फैशन में रोटेट कर रहा है समझ रहे हैं तो इसकी एक स्पिन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लस हाफ यानी कि प्लस हाफ स्पिन स्टेट और दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं माइनस हाफ स्पिन स्टेट यानी जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर रेडियो वेव्स डालते हैं ना तो उसकी जो स्पिन होती है वो प्लस हाफ से माइनस हाफ हो जाती है इसी को बोलते हैं कि हमने न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन करवा दी है हमने यहां पर क्या डाला हमने सर डाला रेडियो वेव्स और जैसे ही रेडियो वेव्स पढ़ते हैं न्यूक्लियस का स्पिन चेंज हो जाता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन हो जाएगी इसके ऊपर अभी डिटेल में चर्चा करूंगा लेकिन एक बारी आइडिया तो लगे रेडियो वेव डालने पे होता क्या है न्यूक्लियस की स्पिन चेंज हो जाती है प्लस हाफ से माइनस हाफ हो जाता है माइनस हाफ है तो प्लस हाफ हो जाता है ऐसे बता सकते हैं ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल होता है मतलब आप जब कोई रेडियो वेव डालते हैं तो यह एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर ट्रांजिशन करता है इस वजह से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सॉर्पन स्पेक्ट्रोस्कोपी बताइए क्लियर है यह तीन बेसिक पिलर हैं किसके एनएमआर के पहला रेडियो वेव डालने पे न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होती है न्यूक्लियस अगर

वो सब की सब एनएमआर एक्टिव होंगी नहीं ये बात हमें पता करनी पड़ेगी और ये बात हमें कैसे पता लगेगी जब हम सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे जब भी आपने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉप फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस हो गया है क्या आपकी बैच में नहीं भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं है हो गया है तो बता दो कि हो गया है नहीं हुआ है अरे भाई साहब चलो नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं छोड़ो मैं बोलूंगा ही नहीं, नहीं। देखो सिलेक्शन रूल क्या होता है कि आ, यहां पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन कौन से हैं जो एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन कौन से ऐसे हैं जो इनएक्टिव होंगे ये पता करने के लिए हम जाएंगे सिलेक्शन रूल के ऊपर और यह सिलेक्शन रूल किसके ऊपर बेस्ड है तो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है जिसको मैं आई से लिखता हूं अब थोड़ा सा हो सकता है जो ऑर्गेनिक वाले हैं वो आउट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन लिखते हो तो कैपिटल एस पता ना तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हो बस वही चीज अगर मैं न्यूक्लियस के लिए ले क्योंकि पहले किसी भी एटम में बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर न्यूक्लियस होता है अगर मैं वही चीज न्यूक्लियस के लिए देखूं तो मैं बोलूंगा स्पिन क्वांटम नंबर की हूं, कि स्पिन क्या है एबसेंट है हमारा न्यूक्लियस के अंदर कोई स्पिन ही नहीं है यार जब स्पिन ही नहीं है तो तुम ट्रांजिशन क्या कराओगे घंटा इसका मतलब कोई न्यूक्लियर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है ऐसे सारे के सारे न्यूक्लाइज एनएमआर इनएक्टिव होंगे आप उनको एनएमआर में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे बताइए बात समझ में आ रही है यानी सर आप हमें आई के बारे में बताइए हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है वहीं दूसरी तरफ ऐसे न्यूक्लियाइज जिनके लिए आई नॉट इक्वल टू 0 होता है यानी 0 के बराबर नहीं होता उनके अंदर स्पिन प्रेजेंट है यस yes, वहां न्यूक्लियर आपका स्पिन कर रहा है न्यूक्लियस तो सर न्यूक्लियर इस स्पिन ट्रांजिशन या न्यूक्लियर ट्रांजिशन पॉसिबल होने वाली हैं और ऐसे सारे न्यूक्लियाइज एनएमआर एक्टिव कहे जाएंगे बताइए क्या ये समझ में आया कि ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव होगा सही है चलू आगे सर सर बहुत बढ़िया फिर एक और सवाल हमारे मन में उठेगा कि क्या सर अगर हमें पता करना हो कि आर एक्टिव हमें क्वेश्चन दे दे कि एक ये 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 है एक ये है है एक एक चलो बताओ इसमें से कौन सा एनएमआर एक्टिव है और कौन सा एनएमआर इनएक्टिव है ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है वो एक न्यूक्लियाई दे, दे देगा बोलेगा इसमें से बताइए कौन सा एनएमआर एक्टिव है और कौन सा एनएमआर इनएक्टिव है ये हम कैसे पता करें सर आई की वैल्यू दीजिए वो नहीं दे रहा आई की वैल्यू फिर आपको बोल रहा है पता करें तो फिर बताइए सर कैसा पता करें तो फिर आप सोच में पड़ेंगे कि सर कैसे पता करें पता करने से पहले एक जनरल नोटेशन होती है जो फॉलो करें यार यहां यहां से आप अभी हट जाएं मैं यहां आऊंगा वापस इससे ज्यादा कराऊंगा अभी मुझे थोड़ा बढ़ने तो थो नहीं मुझे पता है कि आपको आता है ठीक है देखिए ये एक जनरल नोटेशन है जो हम बचपन में सीखते थे किसी भी एटॉमिक सिंबल को ऐसे मान लो क्लोरीन है तो सीएल लिखूंगा ब्रोमीन है तो BR लिखूंगा नीचे क्या लिखता हूं मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूं जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है हमेशा और ऊपर क्या लिखता हूं मास नंबर लिखता हूं जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है मास नंबर ऊपर लिखते हैं

अगर तो आपका मास नंबर इवन हो और आपका एटॉमिक नंबर भी इवन हो तुरंत समझ जाइएगा ये आ गया है गड्ढा मतलब इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा ये किसकी बात कर रहा है आई की बात कर रहा है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो जीरो होगा और वो सारे के सारे जो न्यूक्लियाइज होंगे वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन ले लिया कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स मास नंबर ट्वेल्व तो इवन और इवन और इनएक्टिव मैंने ऑक्सीजन ले लिया एटॉमिक नंबर आठ और मास नंबर सोलह इवन और इवन तो इनएक्टिव बात समझ रहे हैं ये पहला केस आपको समझ में आया इवन और इवन देखा तो इनएक्टिव और समझिए अगर आपका मास नंबर ऑड निकल के आए और एटॉमिक नंबर की तो ऑड हो जाए या तो इवन हो जाए फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे केस में जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो हाफ इंटीग्रल होगा इसका क्या मतलब है सर हाफ इंटीग्रल का मतलब यह है कि जो आई की वैल्यू होगी वो हाफ इंटू एन के बराबर होगी यहां एन क्या हो सकता है वन हो सकता है थ्री हो सकता है आ, फोर नहीं हो सकता और क्या हो सकता है फाइव हो सकता है एंड सो ऑन हो सकता है देखो वन लेंगे तो वन बाई टू होगा थ्री लेंगे तो थ्री बाई टू होगा फाइव लेंगे तो फाइव बाई टू होगा मतलब हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई को देख के ये जरूर बता सकते हैं कि इसकी जो आई की वैल्यू होगी वो हाफ इंटीग्रल में होगी और ऐसे सारे के सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं एक्टिव होते हैं सर फिर से कब होगा जब इवन और इवन होगा इनएक्टिव कब होगा जब इवन और मेरे साथ दो तीन बार दोहराइए अपने मन में इनएक्टिव कब होगा जब इवन और इवन होगा ठीक है हाफ इंटीग्रल कब होगा जब मास नंबर ऑड हो और एटॉमिक नंबर इवन या ऑड हो सकता है आई की वैल्यू हाफ में होगी एन आर तो एक्टिव होगा जब आपका मास नंबर इवन हो हो जाए, हो जाए, एटॉमिक नंबर तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल वैल्यू सर तो यहां आई की वैल्यू एन के बराबर होगी जो क्या हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है एंड सो ऑन हो सकता है एग्जाम्पल देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया ये हाइड्रोजन ले लिया सॉरी टू लिखा हुआ है तो ये क्या है ड्यूटेरियम है ड्यूटेरियम के लिए I की वैल्यू क्या होती है I इज एक्चुअली इक्वल टू वन कैसे पता किया मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर ऑड है तो मुझे ये जरूर पता था कि इंटीग्रल वैल्यू होगी होगी टू होगी थ्री होगी इतना नहीं पता कर सकते लेकिन ये जरूर पता लग जाएगा कि इंटीग्रल वैल्यू है, नंबर्स में वैल्यू होगी और एनएमआर तो एक्टिव होगा ही इनएक्टिव कब होगा और even तो इनएक्टिव इवन और इवन तो इनएक्टिव मास नंबर इवन एटॉमिक नंबर ऑड तो सर इंटीग्रल वैल्यू होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसी वैल्यू होगी बताइएगा क्या ये टेबल समझ में आया इस टेबल से सीधा क्वेश्चन बनेगा दो मार्क्स के अंदर सेट वाले भी घोल के पी जाए उनके एग्जाम में भी यही से सवाल बन जाता है कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है गेट के लिए भी नेट एग्जाम के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया कि हम कैसे न्यूक्लियाई को देख के बताएं कि फलाने एक्टिव है और ढमकाने इनएक्टिव है क्लियर है चलें आगे बहुत बढ़िया सर अब आपके लिए कुछ न्यूक्लिया मैंने सजा के रख रखी हैं। आपको यहाँ क्या बताना है कौन सा एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव होगा पहला बताइए एटॉमिक नंबर ऑड और है है और वन और वन है। अरे ये तो सर वन एच एन एम आर की बात कर रहे हैं आप प्रोटोन एन एम आर की बात कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं ये तो एक्टिव ही होना चाहिए ना ये क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा ड्यूटेरियम की बात करते हैं बताइए ऊपर टू नीचे वन एक्टिव या इनएक्टिव सर ये भी एक्टिव होगा बहुत बढ़िया इसके बारे में बताइए सर सर मास नंबर नंबर है atomic number even है एटॉमिक इनएक्टिव दीजिए तुरंत बहुत बढ़िया अगला देखिए थर्टीन सी सर थर्टीन इज अड नंबर सर ये इनएक्टिव है इसके बारे में बताइए सर चौदह सात सात आ गया सर ये एक्टिव है सर अगला ऑक्सीजन सोलह आठ सोलह आठ दोनों इवन है सर दोनों इवन है सर इनएक्टिव ऑक्सीजन का एक और आइसोटोप सत्रह आठ सत्रह आठ ये क्या होगा सर ऑड आ गया ये भी एक्टिव है सर यार ये पहचानना तो बच्चों का खेल हो गया सर 19 नाइन ऑड एक्टिव है सर फॉस्फोरस ऑड एक्टिव है सर इसका मतलब सिर्फ हमें गिने चुने ही मिले जो इनएक्टिव है फॉस्फोरस की बात करें इसका क्या होगा एक्टिव होगा और क्लोरीन की बात करें तो ये भी क्या होगा एक्टिव होगा बात समझ में आ गई एक्टिव इनएक्टिव पहचानना बिल्कुल आसान है अब आपका होमवर्क क्या है यहां पर आप अब इनके लिए ये पहचानेंगे कि इनमें किसके लिए i की वैल्यू इंटीग्रल होगी और किसके लिए i की वैल्यू एक इंटीजर होगी कर लेंगे जीरो किसके लिए होगी i की वैल्यू इनएक्टिव वाले कहां गए इसके लिए वैल्यू जीरो होगी इसके लिए वैल्यू जीरो होगी इसके लिए वैल्यू जीरो होगी इतना तो मैंने बता दिया अब जो एक्टिव वाले हैं वो आप पहचानिएगा किसके लिए इंटीग्रल होगी और किसके लिए इंटीजर होगी कर लेंगे ऊपर टेबल दिया हुआ है अभी नहीं करना है बात समझ में आ रही है अरे इसको हमने गड़बड़ कर दिया क्या यार ये तो हमने गलत लिख दिया यार हु? सही कह रहे हो ये तो क्या होगा एक्टिव होगा यार क्या कर रहे हैं सर आप और तो कोई गलत नहीं हुआ देख लेते हैं यार पर चला जल्दी जल्दी में हमने गलत टेप दिया और तो ठीक लग रहा है और तो ठीक लग रहा है ठीक है चलिए अब इसको आप लोग देख लीजिएगा वो हमने जो होमवर्क दिया है वो कर लीजिएगा आगे चलू मैं कोई समस्या किसी को कहीं कोई समस्या आए तुरंत पूछ लीजिएगा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि सबको समझ में आए चला जाए आगे इतने ही होंगे क्या अरे भाई देने को तो हम आपको पीरियोडिक टेबल दे दें पर जितना काम का है उतना करो ना जितना बता रहे हैं उतना तो करना नहीं होता है आगे आगे, आगे आप लोग को जाना होता है ने? चलो अब एनएमआर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एनएमआर के बेसिक्स पर आते हैं ठीक है एनएमआर के बेसिक्स ये कर लोगे ना भाई नीचे आई की वैल्यू सबके लिए आइडेंटिफाई करनी है कि किसके लिए हाफ होगी और किसके लिए इंटीग्रल होगी ये कर लेना ठीक है और हम तो कह रहे हैं कि इनका याद भी कर लेना ठीक है शायद मैं लाया नहीं हूं या लाया हूं तो दिखा देता आपको चलिए है आगे हम्म ठीक है ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे एनएमआर के बेसिक्स की देखो आ, मैं सीधा एनएमआर भी स्टार्ट कर सकता था पर मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जब आप उस मशीन के पास जाते हैं ना स्पेक्ट्रोस्कोपी लेने तो उस मशीन के अंदर चल क्या रहा होता है सब बात करूंगा एकदम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे आपको एनएमआर समझने के लिए स्पिन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझना होगा ये स्पिन स्टेट क्या बला होती है आपको ये पता होना चाहिए बताइए सर क्या होती है देखो किसी भी न्यूक्लियाई के लिए अगर आपको स्पिन स्टेट्स निकालनी है कि उसमें कितनी स्पिन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है टू आई प्लस वन याद होना चाहिए नंबर इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो कहां से कहां वेरी करती हैं तो वो प्लस आई से लेके माइनस आई तक वेरी करती हैं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया हम एग्जाम्पल से समझाते हैं मान लीजिए कि मुझे वन एच यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करनी है इसके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है प्लस ऑफ आई की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है प्लस ऑफ होती है ठीक है सर अब इसके लिए अगर मुझे नंबर ऑफ स्पिन स्टेट निकालना हो गया तो लिखिए फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पिन स्टेट इज इक्वल टू तो टू इंटू हाफ प्लस वन सॉल्व करेंगे तो दो आएगा पता चला कि सर दो स्पिन स्टेट होती है सर ये है क्या स्पिन स्टेट ये क्या बला है देखिए इसके लिए हमने दो स्पिन स्टेट बनाई एक ऐसी और एक ऐसी हम कह रहे हैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक बार प्लस हाफ स्पिन स्टेट रख सकता है तो एक बार माइनस हाफ रख सकता है देखिए आई की वैल्यू कितनी है प्लस हाफ तो हम यहां से इसकी वैल्यूज निकालेंगे पहली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हाफ और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी समझ रहे हैं जैसे मान लो आ, यहां से हमें वैल्यू निकालनी है ठीक है इसकी वैल्यूज कहां से कहां वेरी करती है तो प्लस आई से माइनस आई तक जाती है ठीक है मेरे पास स्पिन स्टेट्स कितनी थी दो तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हाफ यानी कि प्लस आई और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई हम ये कहना चाह रहे हैं इस न्यूक्लियस की दो स्पिन स्टेट्स हैं एक प्लस हाफ जिसके अंदर वो कुछ ऐसे घूमता है तो दूसरी स्टेट है माइनस हाफ जिसके अंदर वो कुछ ऐसे घूमता है बात समझ में आ रही है उसी तरीके से मान लीजिए कि हम थर्टीन सी न्यूक्लिया के पास आते हैं तो यहां पे भी क्या निकालेंगे नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स निकालेंगे टू इंटू हाफ प्लस वन क्योंकि इसके लिए भी आई की वैल्यू क्या है? होती है प्लस हाफ होती है सर

एक बार इसका न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा था ठीक है यानी हम किसी भी न्यूक्लियाई के लिए स्पिन स्टेट निकाल सकते हैं मान लीजिए मुझे नाइट्रोजन के लिए निकालना पड़ा तो नाइट्रोजन के लिए फॉर एटॉमिक नंबर क्या होता है सेवन इसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है वन अब नंबर ऑफ स्पिन स्टेट कितने आएंगे सर तो आइए देखें जरा हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या नंबर ऑफ स्पिन स्टेट इज एक्चुअली इक्वल टू टू आई प्लस वन यहां से आ रही है तीन इसका मतलब इस बार नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई के पास तीन स्टेट्स हैं एक दो और तीन वैल्यूज क्या होंगी ये कौन बताएगा वैल्यूज प्लस आई से माइनस आई तक जाती हैं यानी प्लस आई मतलब कि प्लस वन और माइनस आई मतलब माइनस वन अब बीच में भी एक वैल्यू मिल रही है तो वो हो जाएगी जीरो सर यानी फॉर नाइट्रोजन न्यूक्लियस कितनी स्पिन स्टेट्स हैं? तीन स्पिन स्टेट्स हैं एक प्लस वन एक जीरो और एक माइनस वन अगर आपसे कोई बोल दे कि क्लोरीन के लिए निकालिए तो सर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स थ्री बाई टू प्लस वन यहां से कितनी आ रही है या चार आ रही है इसका मतलब इसके पास चार स्पिन स्टेट्स होंगी वैल्यूज क्या होंगी सर सर पहली होगी प्लस थ्री बाई टू और लास्ट वाली क्या होगी माइनस थ्री बाई टू अब बीच वाली वैल्यूज कैसे निकालें तो प्ल आई प्लस आई, आई माइनस वन कितना आ जाएगा? में से तो इसकी चार स्पिन स्टेट्स हो गई हमें इतना ज्यादा डीप में जाना नहीं है हमारे सिलेबस में या हमारे सिलेबस में तो यार सभी है जहां से क्वेश्चन आता है वो कौन है सर वो थर्टीन सी एन एम आर इनके बेसिक्स को भी समझेंगे और इनके एडवांस लेवल पे भी जाएंगे जबकि इनको समझने के बाद ये सब न्यूक्लियस जैसे क्लोरीन हो गया नाइट्रोजन हो गया ये अपने आप, आप समझने लगेंगे लेकिन किसके एकदम बेसिक्स में घुसेंगे तो वन एच एन एम आर के जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक में जाएंगे यानी अब ये टेबल जो है ये आपको बताएगा कि अगर मैं एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लेता हूं तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है प्लस हाफ याद होना चाहिए स्पिन स्टेट्स कितनी होती हैं दो होती हैं प्लस हाफ और माइनस हाफ बोलिए समझ में आ रहा है इसी तरीके से कई सारे न्यूक्लियाइज यहां पे लिखे हुए हैं जो ऊपर मैंने दिए थे ना वो मैंने यहीं से पिक किए थे अब इस टेबल को देखिए इसके अंदर सारी की सारी आई वैल्यूज लिखी हुई है और नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स लिखे हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप एक्टिव इनएक्टिव कर ले जाएंगे और अगर आई की वैल्यू पूछेगा वो नहीं पूछेगा वैसे तो कुछ आई वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी याद होनी चाहिए हाउ टू फाइंड आई वैल्यू सौरभ आप आई वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि वैल्यू फ्रैक्शन में होगी या इंटीग्रल होगी ये तो बता लोगे ना यार जल्दी बताना एक बारी इतना जरूर कमेंट कर पाएंगे सर हम कि वैल्यू फ्रैक्शन में होगी या इंटीजर होगी टेबल में सिखाया है लेकिन सर एग्जैक्ट बताना ये नहीं कर पाएंगे तो कुछ वैल्यूज जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको जहन में बसा लेना एकदम कौन कौन सी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्वेल्व सी थर्टीन सी याद क्या करना है यार प्रैक्टिस करते करते खुद याद हो जाएगा तुम्हें सवाल करोगे खुद याद हो जाएगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्लोरीन, ठीक है क्लोरीन को छोड़ दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो मैंने सर्कल किए हैं ये याद रहे तो अच्छी बात है ठीक है ये टेबल हमने पाविया बुक से लिया है इनफैक्ट मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए और पाविया बुक को ही फॉलो कर रहा हूं ठीक है ये टेबल समझ में आ गई सभी को स्पिन स्टेट्स क्या होती हैं इसका थोड़ा बहुत आइडिया लगा हाइड्रोजन को पकड़ो अच्छा सर हाइड्रोजन में स्पिन स्टेट दो है इसका मतलब उसका न्यूक्लियस प्लस हाफ से घूमता है और माइनस हाफ से घूमता है ये इसकी दो स्पिन स्टेट है समझ में आ रहा है चलो मैं आगे बहुत बढ़िया सर आगे आते हैं और आगे चलते हैं अब इसके बाद अब थोड़ा प्रोटॉन एनएमआर को और डिटेल में पकड़ते हैं यानी ये जो हमारा 1H एन एम आर है छापने में मत व्यस्त रहना पहले बस स्क्रीन देखो और सुनो कहानी की तरह ठीक है अब इसके अंदर हम वन एच एन एम आर को बहुत डिटेल और डेप्थ में पकड़ेंगे डी कॉमा एन इज वन क्या लिख दिया भाई Dim इज इक्वल टू डी क्या कहना चाह रहे हैं अरिजीत सिंह आप डिन पिन टिन क्या लिख रहे हैं तो हम हमें नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं या ट्रिक बता रहे हैं किस चीज का ट्रिक बता रहे हैं अरे भाई तो ठीक है ना तो ट्रिक अपने पास रखिए ना क्यों सबको बताना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है बाद में बताइएगा आखिरी में जब डिस्कशन होगा तब सबको बताइए ठीक है डिन से मेरे ख्याल से वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप डिन याद रखेंगे तो आपको ये पता लगेगा किसकी किसकी वन होती है

कुछ तो हो गया है भाई कुछ तो लोचा है पता नहीं अजीब अजीब सवाल कर रहे हो यार थोड़ा सा टेक्निकल लॉजिकल सवाल नहीं आ रहे तक मामला क्लियर है चलू आगे एनएमआर के बेसिक्स में घुसू बहुत ध्यान से सुनना हमने अभी तक की कहानी समझी सर कि जब मैं कोई हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पकड़ता हूं तो इसके लिए आई वैल्यू हाफ होती है प्लस हाफ होती है बहुत बढ़िया अब ये जो प्लस हाफ वैल्यू है ये दो हो सकती है क्या ये हो सकता है कि हमारा न्यूक्लियस प्लस हाफ स्पिन स्टेट रखता है या फिर हमारा न्यूक्लियस माइनस हाफ स्पिन स्टेट रखता है ये दो पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है लेकिन एक समस्या आई छोटी सी कि ये जो दोनों स्पिन स्टेट होते हैं ना ये डी होते हैं डी का क्या मतलब होता है बहुत क्वांटम पड़ी होगी तुमने और उसमें डी जनरेट डी जनरेट बोलते थे तो डी का सिंपल मतलब है ये न्यूक्लियस के जो दो स्पिन स्टेट्स हैं ये सेम एनर्जी लेवल के हैं अब इसके वजह से ना एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने क्या सर जब ये दोनों स्पिन स्टेट्स अगर सेम एनर्जी लेवल के हैं तो हम ट्रांजिशन करवाएं कैसे हमें तो इनके बीच में गैप चाहिए ना तभी तो मैं ट्रांजिशन करवाऊंगा यार एक ग्राउंड स्टेट हो एक एक्साइटेड स्टेट हो तब तो ट्रांजिशन होगी अगर दो चीजें सेम लेवल पे हैं कहां से ट्रांजिशन करवाऊं तो ये समस्या आ गई यार हमारे सामने तो एक सवाल खड़ा हुआ इस गैप को क्रिएट कैसे किया जाए तो चलिए कोई ऐसे ही बताना चाहेगा वाइल्ड गैस भी ले सकते हो कि क्या करूं कि ये गैप क्रिएट हो जाए क्या किया गया होगा बहुत बढ़िया एक्सेलेंट एक्सेलेंट कुछ लोग सही पकड़ रहे हैं सर ऐसा करिए मैग्नेटिक फील्ड लगाइए तो जब हमारे सामने ये समस्या आई कि ये स्पिन स्टेट सेम एनर्जी लेवल के निकले तो हमने दिमाग लगाया हमने बोला इनको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं कुछ गैप तो क्रिएट हो ताकि हम ट्रांजिशन करा पाए साइंटिस्ट कितने दिमागदार थे ये सर थे तो, तो कैसे क्रिएट किया जाए एनर्जी गैप तो आगे वाली स्लाइड पर आते हैं हमने इन स्पिन स्टेट्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट लगाया ये स्पिन स्टेट्स स्प्लिट हो गए एक हायर एनर्जी में चला गया और एक लोअर एनर्जी में चला गया कैसे चला गया वो भी बताऊंगा लेकिन अभी जैसे ही एक्सटर्नल लगाया एनर्जी डिफरेंस आ गया और अब ट्रांजिशन कराना पॉसिबल हो पाया ये जो फिगर मैंने पड़ोस में लगाया है ये और कुछ नहीं ये आपका एनएमआर मशीन है ये मशीन कितने लोगों ने देखा है थोड़ा छोटू सा है इससे बड़े बड़े भी आते हैं ऐसी मशीन कॉलेज में अपने कितने कितने लोगों ने देखी है देखी है कभी यहाँ गए हैं इसके पास जाते ही आप अपना फोन जेब में कोई की या कुछ लोहे का सामान पहन के कभी नहीं जाते थे सब बाहर निकलवा दिया जाता था क्यों क्योंकि इस चैंबर के अंदर बहुत पावरफुल मैग्नेटिक मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं ये एनएमआर मशीन है जिन्होंने नहीं देखी उनको बता रहा हूं मैं ठीक है जब भी कोई आप सेम, जैसे मान लो पेंसिल की इतनी बड़ी एक ट्यूब होती है जिसके अंदर आप एकदम चुटकी भर सा अपना जो भी सबस्ट्रेट आपने बनाया है उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करके इस पेंसिल से इतनी बड़ी ट्यूब में उसको भर देते हैं और एकदम ऊपर कहीं इधर एकदम इस वाले पोर्शन में कहीं टॉप पर फसा देते हैं वो पूरी बेल्ट होती है जो ऐसे ऐसे चल रही होती है ये होती है एनएमआर मशीन इस बड़े डब्बे के अंदर बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे हुए हैं क्यों लगे हुए हैं क्योंकि हमें स्पिन स्टेट में एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट मतलब कि क्रिएट करना है बोली बात समझ में आ रही है हैंडल करने नहीं दिया जाता है नॉर्मल स्टूडेंट्स को कुछ ही लोग हैंडल करते हैं ठीक है क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है बहुत महंगी मशीन होती है एक बड़ी कुछ गड़बड़ हो गया लगभग लाखों का खर्चा कहीं नहीं गया इस वजह से आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप इसको टच करें ठीक है चलिए आगे आते हैं तो सर ये क्रिएट कैसे हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड्स में ऐसा क्या जादू है कि स्पिन स्टेट्स में ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो ये समझने के लिए आइए आपको अगली स्लाइड पर ले चलते हैं पहले सुनो आराम से हो क्या रहा था इधर जो आप देख रहे हैं एकदम कॉर्नर कॉर्नर में देखिए एकदम कॉर्नर में, में उधर दो स्पिन स्टेट्स एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ सेम एनर्जी लेवल पे है जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में इंट्रोड्यूस किया ये क्या है बी बी नॉट नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में गैप क्रिएट होने लगा जो B0 का डायरेक्शन क्या है नीचे से ऊपर बहुत बढ़िया सर अच्छा यहां पे हमने एक चीज बताना भूल गया शायद चलो कोई नहीं यही बता देते हैं देखिए बी नॉट का डायरेक्शन क्या है ऊपर से नीचे जब B नॉट की वैल्यू जीरो है यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया दोनों स्पिन स्टेट सेम एनर्जी लेवल पर लाई करते हैं कोई डिफरेंस नहीं है एकदम सेम एनर्जी लेवल है हमें चाहिए सर कि डिफरेंस क्रिएट किया जाए तो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है अब सुनना ध्यान से जब भी कोई न्यूक्लियस स्पिन करता है ना तो वो अपनी भी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है क्या जनरेट करता है बहुत छोटी सी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बी एन जनरेट करता है ये कैसे पता लगता है सर बचपन में राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है क्या हम बोलते हैं अगर इस तरीके से रोटेशन होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो ऊपर होगी तो जो पहला वाला सर्कल है कौन सा मैं इसकी बात कर रहा हूं पहले वाले सर्कल में फिंगर ऐसे रोल हो रहा है तो थंब ऊपर जा रहा है तो इसकी जो बीएन मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर के साइड है दूसरे वाले केस में ये थंब जो फिंगर से वो ऐसे रोल हो रहे हैं तो तो थंब नीचे आ रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे के साइड है ये दोनों न्यूक्लियस अपने अपने छोटे छोटे बियंस जनरेट कर रहे हैं इनको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो एक बार क्या हुआ जो फर्स्ट वाले के लिए है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन वो मैच कर गया तो इनके बीच में फील हुआ अट्रैक्शन और जो इस वाले का है यानी माइनस हाफ वाले का है वो नीचे और एक्सटर्नल का ऊपर इनके बीच में फील हुआ रिपल्शन तो जो रिपल्शन फील किया उसकी एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई वो ऊपर चली गई और जो अट्रैक्शन फील किया उसकी एनर्जी घटती गई घटती गई घटती गई और वो नीचे आ गया इसने क्या फील किया है अट्रैक्शन क्योंकि बी नॉट का भी डायरेक्शन यही है और बी एन का भी डायरेक्शन यही है इसने क्या फील किया रिपल्शन अगर इसने फील किया रिपल्शन तो सर क्यों क्योंकि बी नॉट ऊपर बी एन नीचे तो इसकी एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई और इस चक्कर में हमारा काम हो गया हमने एक डेल्टा ई e का मस्त गैप क्रिएट किया है सर अब हम कराने वाले हैं ट्रांजिशन ट्रांजिशन कराएंगे तभी तो स्पेक्ट्रा आएगा और तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे बात समझ में आ रही है ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं डेल्टा ई ये प्लस हाफ की जो एनर्जी स्टेट है और माइनस हाफ की जो एनर्जी स्टेट है उनके एनर्जीज का डिफरेंस ले लेंगे तब आ जाएगा आ, इसमें माइनस हाफ की ज्यादा होगी तो आप ये कर लीजिए कि आप इसके अंदर जब कॉपी करिएगा तो माइनस वाले को आगे लिख लीजिएगा और प्लस वाले को पीछे माइनस वाला आगे और प्लस वाला पीछे तो आपको क्या मिल जाएगा डेल्टा ई मिल जाएगा सर डेल्टा ई यहां से लेंगे क्या यार ये यहां से मत लो आप सीधा फाइनल स्पिन स्टेट्स के बीच में जो गैप है उसको समझो फाइनल स्पिन स्टेट्स बोले तो कौन सा गैप सर इनके बीच में जो गैप क्रिएट किया है उसकी बात समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालने से ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ एक को मिला अट्रैक्शन दूसरे को मिला रिपल्शन मस्त चकाचक एकदम पिक्चर बनती जाएगी माइंड में एकदम चलिएगा मैं कहता हूं कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ई के यार ये समझना और भी आसान है अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं तो ये गैप बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बताए नहीं बढ़ता है। अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन वाला और ऊपर अट्रैक्शन वाला और नीचे गैप बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा इसी वजह से ऐसा लिखा जाता है कि जो डेल्टा ई है वो फंक्शन होता है बी नॉट का यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इतना समझ में आ रहा है बताइएगा अब मैं धीरे से आपको यह भी समझाने वाला हूं मतलब यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है तो हमने ये समझ लिया कि यहां पर जो गैप क्रिएट होता है आ, गैप कैसे क्रिएट होता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्रिएट होता है ठीक है एक बारी जब गैप क्रिएट हो जाता है ना हाँ भाई आज मैं नोट्स सजा के लाया हूं क्यों क्योंकि मैं ये सब लिखता ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाता अब सुनना ध्यान से। अगर एक बार हमने गैप क्रिएट कर लिया है तो अब हम क्या कराएंगे ट्रांजिशन क्योंकि सारा रायता ट्रांजिशन के लिए ही तो किया गया था अब चूंकि हम एनएमआर में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैं यहां पर डालूंगा क्या ग्राउंड स्टेट के ऊपर इंट्रोड्यूस करूंगा वेव्स को किसको इंट्रोड्यूस करूंगा रेडियो वेव्स को अच्छा मैं रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल क्यों करता हूं क्योंकि जब मैं इस गैप को डेल्टा एनर्जी e है इस को के में लिखूं, तो क्या लिखूंगा एच न्यू गैप न्यू गैप का क्या मतलब है न्यू इस फ्रीक्वेंसी इस गैप को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जब लिखता हूं तो ये लिखता हूं ठीक है तो इस गैप की जो फ्रीक्वेंसी है जो न्यू गैप है वो एक्चुअली बराबर होती है किसके फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स के किसके जो भी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करती हैं और जब हम स्पिन स्टेट्स में डिफरेंस क्रिएट कराते हैं तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी काफी मैच कर रही होती हैं यही रीजन है कि हम सिर्फ वेव का इस्तेमाल करते हैं आप आई आर में एन क्यों नहीं पढ़ते यार उसकी फ्रीक्वेंसी और इस गैप की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी रेडियो वेव लेंगे फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी ट्रांजिशन करा पाएंगे बोली बात समझ में आ रही है कि मैंने रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल क्यों किया है जल्दी बोलो भाई ठीक है Why we have used only radio waves? क्योंकि रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी और इस गैप की फ्रिक्वेंसी मैच करती है दोनों सेम रेंज में फॉल करते हैं इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब रेडियो वेव डालेंगे ट्रांजिशन होगा अभी इसको भी डीप में समझाऊंगा लेकिन यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अब तो। हम देखिए चलो मैं आगे वाले पेज पे इस पर सब समझ में आ गया समझना इंपॉर्टेंट है छापना इंपॉर्टेंट नहीं है समझ लोगे ना तो एक बारी तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है सर बताइए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई अभी तो हमने स्पिन स्टेट्स को स्प्लिट किया है ना एक नीचे घूम रहा है एक ऊपर घूम रहा है अब हमें ट्रांजिशन कराना है जब कोई कूद के जाएगा ना तब हम उसे नोटिस करेंगे अच्छा ये कूदा है अच्छा ये कूदा it's है it's समझ रहे हैं। yes sir, yes. तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कोई दिक्कत नहीं है मत छापो यार मिल जाएगा रेडीमेड नोट सुनो अभी बस सुनो ध्यान से इससे जो एग्जाम में आएगा वहां मैं आपको लिखवा दूंगा वो सब आप लिख लेना ठीक है समझो अगर एक बार समझ लिया ना तो आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं और एनएमआर उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा कभी भी सुनिए ध्यान से इसका मतलब सर हमने एक बात नोटिस करी कि जो फ्रीक्वेंसी जो गैप हमने क्रिएट किया है और जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है है वो मैच करती है, इस वजह से हम रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं ठीक है यही बातें हमने यहां लिखी हुई हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द एनर्जी डिफरेंस हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इन ऑर्डर टू डू द ट्रांजिशन वी अप्लाई रेडियो वेव बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैप मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो इन द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो गैप रेडियो वेव होती है उसी की फ्रीक्वेंसी मैच करती है बहुत बढ़िया सर अब हम यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं ध्यान से सुनना मैंने बोला जो डेल्टा ई e होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बी नॉट के वॉट इज बी नॉट इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बाहर से लगाई है जितना स्ट्रॉन्ग लगाएंगे गैप उतना बढ़िया और ज्यादा क्रिएट होगा सर तो यहां से जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है एक बात तो आप भी जानते हैं कि कोई कॉन्स्टेंट निकल के आता है सर बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सर यहां से कॉन्स्टेंट निकल के आता है कट गामा इंटू बी नॉट बी नॉट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कट को आप जानते होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्वांटम पढ़ा है तो एच कट होता है कांस्टेंट जिसको एच बाई टू पाई बोलते हैं एच और कुछ नहीं आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है गामा क्या है ये आप पहली बार देख रहे हैं गामा को बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो गायरो मैग्नेटिक रेशियो इसके बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है बस इतना जान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस होती है हर न्यूक्लियस की अपनी कुछ गायरोमैग्नेटिक रेशियो होती है प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस होती है फिर से सुनिए जब हमने डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो बी नॉट रखा हटाया तो दो कांस्टेंट आए एक एच कट और एक गामा कट इज सिंपल कांस्टेंट एंड गामा इज अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो हर न्यूक्लियस के लिए अपनी यूनिक होती है हाइड्रोजन के लिए कुछ होगी कार्बन के लिए कुछ होगी इस तरीके से हाँ अनुराग बताइए सर एच की वैल्यू पूछने वाला था नेटवर्क इशू आ रहा था तो जो आपने फिर से रिपीट कर दिया अच्छा ठीक है देखिए अब इसके अंदर हमें दो चीजें मिल गई एक तो क्या है कि डेल्टा ई जो है दैट इज इक्वल टू एच न्यू एब्जॉप एच न्यू एब्जॉर्ब ये वो फ्रीक्वेंसी है जो एक्चुअली में एब्सॉर्ब हुई होगी ठीक है और एक रिलेशन हमें और पता लगा जो हमें कहता है कि डेल्टा ई इज एक्चुअली इक्वल टू एच कट गामा बी नॉट ठीक है अच्छा देखिएगा ये न्यू एब्सॉर्ब क्या लिखा है ए बी एस का क्या लिखना है शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने किसका एब्जॉर्ब ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आई है और जो एक्चुअली में एब्सॉर्ब हुई है ये वही होगी जो आपकी गैप है या फिर आप कह लीजिए कह लीजिए जो इनकमिंग रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है वही तो एब्सॉर्ब हो होगी बात समझ में आ रही है तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि न्यू एब्जॉर्ब इज एक्चुअली इक्वल टू चूंकि डेल्टा ई बराबर है तो मैं इसको ऐसा करता हूं क्योंकि आप लोग फिजिकल में पता नहीं कितना समझते हैं कितना नहीं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा h बाई टू पाई और ये क्या हो जाएगा गामा बी नॉट अब मैं h से h काट दूंगा तो ये न्यू एब्सॉर्ब यानी जो फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब हुई है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू गामा बी नॉट बाई टू पाई ये जो रिलेशन है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ये आया कहां से है मैंने इसको ड्राइव भी किया है आपके सामने फिर से न्यू एब्जॉर्ब क्या है ये वो फ्रीक्वेंसी है जो रेडियो वेव्स की आ रही है और वही एब्जॉर्ब भी हुई है बोलिए ये रिलेशन समझ में आया आपको इज दिस रिलेशन क्लियर ठीक है ये पहला इक्वेशन है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे फर्स्ट इक्वेशन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक रिलेशन और होता है उसका मैं डेरिवेशन फेरिवेशन कुछ नहीं बताऊंगा सीधा फॉर्मूला पटकूंगा आपके सामने और उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा देखिएगा ये समझ में आ गया सभी को बहुत बढ़िया देखिएगा तो ये वाला जो रिलेशन है इसको हम फिर से लिख देते हैं देखिए एक रिलेशन और होता है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ध्यान रखना है वो होता है डेल्टा ई इसको मैं हटा देता हूं उसकी नहीं है मैं दोबारा लिख देता हूं भगवान मुझे लगा था यार कम समय लगेगा पर समय तो उतना ही कंज्यूम हो रहा है देखिए दूसरा रिलेशन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डेल्टा इज एक्चुअली इक्वल टू जी इंटू बीटा इंटू बी नॉट ये क्या बवाल लिख दिया आपने सर? ये इक्वेशन नंबर है जिसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मैं इसके अंदर हर एक टर्म को समझाता हूं जी होता है आपका जी फैक्टर ठीक है बीटा होता है आपका भोर मैग्नेटॉन क्या होता है भोर मैग्नेटॉन और बी नॉट होता है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ये समझाने चला गया ना तो आधी क्लास यहीं फैल जाएगी तो इस वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिलेशन को एकदम रट्टा मार लीजिए याद ही कर लीजिए डेल्टा ई जो एनर्जी गैप होता है वो एक और रिलेशन के बराबर होता किसके? Into, है किसके जी फैक्टर इनटू टू भोर मैग्नेटॉन इनटू क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको छापिए फटाफट एक पिछला रिलेशन लिखिए और एक ये रिलेशन लिखिए फिर इसके ऊपर हम करेंगे क्या न्यूमेरिकल्स एक बार छापिए फिर हम बताते हैं आपको सर हम्म सर ये जी फैक्टर क्या होता है यार जी फैक्टर ऐसे समझ लो कि ये भी हर न्यूक्लियस का एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जैसे मैं अगर कार्बन हूं तो मेरा जी फैक्टर कुछ होगा अगर कोई न्यू नाइट्रोजन है तो उसका जी फैक्टर कुछ होगा तो हर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है बस इतना समझ लो एक कांस्टेंट वैल्यू okay. जो हर न्यूक्लियस के लिए होती है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है इसमें कभी भी आपको यूनिट्स नहीं मिलते हैं ठीक है थीके? थैंक यू सर ओके भोर मैग्नेटॉन क्या होता है अगर ये भी जानना चाहते हैं तो ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू एच डिवाइडेड बाई टू इंटू मास ऑफ प्रोटॉन टू इंटू मास ऑफ प्रोटॉन देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होने वाला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होने वाला कट कभी चेंज नहीं होने वाला तो भोर मैग्नेटोन दो अलग अलग के लिए भी क्या होगा सेम सेम होगा समझ में में आ रहा है देखो भोर में है देखो यार क्या चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वो तो सेम रहेगा एच कट सेम रहेगा टू सेम रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन तो बदल नहीं जाएगा यानी भोर मैग्नेटोन हर चीजों के लिए सेम होगा और जी फैक्टर लेकिन ये हर न्यूक्लियस का अलग अलग हो सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वो है जो हमने अपने साइड से लगाया तुमने आ, बहुत बढ़िया अगर आपने शायद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा तो वहां पे भी इसके बारे में डेफिनेटली आप पढ़ते हैं ठीक है तो हमारे सामने दो रिलेशन आ गए एक ये इज न्यू बाई टू पाई न्यू एब्जॉर्ब क्या है वो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है ये फोटो को अपने दिमाग में बसाइए दिमाग में स्टोर करिए न्यू एब्जॉर्ब वो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है और जो हो रही है किसके बराबर होती है गामा बी नॉट बाई टू पाई फिर से किसके बराबर होती है गामा बिनॉट बाई पाई किसके बराबर होती है गामा बी दूसरा रिलेशन जो हमें याद रखना है सर जी फैक्टर बोर समझ में आ गया? इतना क्लियर है चलिए कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर सवाल उनको हम ट्राई करेंगे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा आ, अच्छा एक चीज और बता देते हैं हो सकता है इस क्वेश्चन में देखो कई बार ना हम इसको अल्फा स्टेट और इसको बीटा स्टेट भी कहते हैं जब आप कोई प्योर एनएमआर की किताब पढ़ते हैं ना तब ये चीजें निकल के आती हैं आपके किसी काम की नहीं है बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं इसे अल्फा स्टेट और इसे बीटा स्टेट के नाम से भी पुकारते हैं ग्राउंड स्टेट को अल्फा स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को बीटा स्टेट अब आपको बताना क्या है ये बताना है क्वेश्चन नंबर वन ट्राई करिए

धुआं उड़ा देंगे इस सवाल का कुछ नहीं है इसके अंदर एकदम लल्लू सवाल है लप्पू सा सवाल है एकदम हम बोलेंगे सर अभी तो पढ़ाया आपने जी फैक्टर बोर मैग्नेटॉन फील्ड स्ट्रेंथ यही तो फॉर्मूला रखा हमारा है हमने जी बीटा बी नॉट जी बीटा बी नॉट डेल्टा ई के बराबर होता है ग्राउंड स्टेट को ही अल्फा स्टेट एक्साइटेड स्टेट को ही बीटा स्टेट बोलते हैं ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा सवाल बताइए गिवन गामा वन एच गायरोमेटिक रेशियो हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटोन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है अच्छा नॉट जो होता है ना यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी जो होती है, वो टेस्ला होती है। किस यूनिट में यूज किया जाता है टेस्ला यूनिट में यूज किया जाता है ठीक है अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपके हिसाब कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको जल्दी बताइए भाई इतना समय थोड़ी लगता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है किस फ्रीक्वेंसी पे ये ट्रांजिशन होने वाली है जल्दी बताइए कैलकुलेट करके कुछ लोगों का आंसर आ रहा है तीर्था अखिला समृद्धि सुष्मिता सोनल बहुत बढ़िया देखिए भाई हमने फ्रीक्वेंसी के नाम पे आपको एक ही फॉर्मूला बताया है न्यू एब्जॉर्ब जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो होगी गामा बी नॉट बाई टू पाई के बराबर ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपकी जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल होने वाला है जो गैप है और जो रेडियो वेव है वो रेजोनेंस में आ रहे होंगे वो एक दूसरे को मैच कर रहे होंगे ये वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो हमसे ये इन शॉर्ट म्यू एब्सॉर्ब पूछ रहा है गामा इसने दिया हुआ है इसकी वैल्यू है टू पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज टू दावर एट यूनिट हमेशा लिखा करिए इन बी नॉट की वैल्यू दी हुई है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स टेस्ला डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर दीज आर कॉन्स्टेंट वैल्यूज टेस्ला से पर टेस्ला से टेस्ला कट जाएगा पर सेकेंड को ही हर्ट्स लिखा जाता है पर सेकेंड को ही क्या लिखा जाता है हर्ट्स लिखा जाता है इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मेरे ख्याल से कितना आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे uh, मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ 5.41 पॉइंट फोर वन इंटू टेन रेज टू दावर एट आ रहा है करेक्ट अब जब यहां से uh, 100 मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर तो क्या हो जाएगा 541 into 10 रे टू द पावर 6 हर्ट्स 10 रे टू द पावर 6 को ही मेगा बोला जाता है यानी ये 541 मेगा हर्ट्स के बराबर निकल के आ रहा है m स्टैंड्स फॉर मेगा हियर एंड मेगा की वैल्यू कितनी होती है तो इट इज नथिंग बट 10 रे टू द पावर 6 ठीक है यानी सबसे क्लोजली रिलेटेड आंसर कौन सा होगा तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बताइए कोई परेशानी तो नहीं है हो जाएगा आइए आगे चलते हैं ये जो पहला इक्वेशन लिखवाया था उसके ऊपर था आइए कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे अगर हम क्लास एक्सटेंड कर लें लेकिन यार इसके बाद आपकी क्लास है क्या ऐसे तो नहीं हो पाएगा यार हमें तो मुझे तो लगा था मैं कुछ तो ज्यादा करा पाऊंगा टाइम तो लग रहा है इसके अंदर क्लास नहीं है इसके बाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यूनिट रिपीट करिए सर यूनिट रिपीट कर देते हैं देखो टेस्ला से पर टेस्ला कट गया जो हमारा पर सेकेंड होता है ना उसी को हर्ट्स लिखते हैं आज आपकी फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल आ, केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत हम पढ़ाई देंगे इसी में आपको पर टेस्ला से टेस्ला कट जाएगा पर सेकेंड कोई हर्ट्स लिखते हैं जो मेगा होता है उसी को टेन रेस्ट पर सिक्स लिखते हैं तो यहां पर क्या आया 541 इनटू टेन रेस्ट डू तो पावर सिक्स हर्ट्स तो टेन रेस्ट पर सिक्स को मेगा लिख दिया तो ये बन गया 541 मेगा हर्ट्स सबसे क्लोजली रिलेटेड कौन सा है सी ठीक है हाँ <coughs> गेट में आता है नेट में आता तो था यार मेरे टाइम पे तो था कैलकुलेटर आपके टाइम में आता है या नहीं पता नहीं चल रहा है मुझे आता है लास्ट ईयर आया था तो आएगा मत परेशानो फिर मुबारक हो फिर तो ऐसा सवाल भी आएगा सेट में तो नहीं होता हाँ भाई सेट में नहीं होता सेट में इतना भयानक सवाल भी नहीं पूछेगा ठीक है तो चुप सवाल पूछेगा वो भी बता देंगे क्या पूछेगा चले आगे आइए कुछ और सवाल करते हैं अब आएंगे हम अपने दूसरे फॉर्मूले के ऊपर देखो ये क्या कह रहा है मैं पहले मैं एक सवाल करवा दू फिर एक सवाल आपसे करवाएंगे कह रहा है न्यूक्लियर जी फैक्टर फॉर एंड एंड आर ये 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 बहुत बढ़िया ये हमें जी फैक्टर की वैल्यू दे रहा है कह रहा है वन एच के लिए जो जी फैक्टर है वो फाइव पॉइंट सिक्स है बहुत बढ़िया और फोर्टीन एन के लिए जो जी फैक्टर है वो जीरो पॉइंट फोर जीरो है तुरंत मिला और लिख लिया मैंने स्क्रीन पर देखेंगे सभी लोग मैग्नेटिक फील्ड इन एन एनमार स्पेक्ट्रोमीटर इज सच दैट द प्रोटोन रेजोनेट एट सात सौ मेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड इन एन स्पेक्ट्रोमीटर इज सच दैट प्रोटॉन रेजोनेट एट ये और कुछ नहीं क्या है ये प्रोटॉन ही है आपका इसके लिए कह रहा है कि जब प्रोटोन तो तो रेजोनेट करता है तो ये किस पे करता है सात सौ मेगाहट पे करता है इसके लिए जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज योर 700 मेगाहर्ट्ज तो ये कह रहा है 14n का जो न्यूक्लियस है ये किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा पहले तो मैं चाहता हूं कि जिनको आ रहा है वही ट्राई करें और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए तो हम बैठे ही हैं जिनको थोड़ा बहुत लग रहा है दिमाग वो पहले अपना लगा लें फिर तो हम आपको बताएंगे जो दोनों रिलेशन है ना उनका अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो बात बनेगी हम क्या कर रहे हैं यहां पर हमसे जो न्यू एब्जॉर्ब दिया हुआ है वो लिख दे रहा हूं सात सौ और इसका जो न्यू एब्जॉर्ब है वो आपसे पूछ रहा है कैसे करेंगे आप कुछ लोगों का तो जवाब भी आने लगा है बहुत दिया, बहुत बढ़िया हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली बार में जवाब आएगा अगर आप पहली बार में जवाब निकाल पा रहे हैं तो यू आर डूइंग वेरी वेल जिनको कुछ पलने नहीं पड़ रहा हम आपके साथ हैं कहीं नहीं गए हैं मत टेंशन लो बताएंगे फिर आपको भी आसान लगेगा इसके लिए न्यू एब्जॉर्ब पूछा हुआ है और उसके लिए न्यू एब्सॉर्ब दिया हुआ है इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है देखिए अगर मैं सारी केसेस हाइड्रोजन के लिए यानी प्रोटॉन के लिए लिखूं तो मेरे पास दो रिलेशन हैं सर म्यू एब्सॉर्ब जो होता है वो किसके बराबर होता है एच डेल्टा ई के बराबर और यही डेल्टा ई किसके बराबर होता है जी फैक्टर इंटू भोर मैग्नेटॉन इंटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है बोलोगे ये बात यस yes, सर हमें जी फैक्टर और म्यू एब्जॉर्ब में रिलेशन चाहिए जी फैक्टर और म्यू एब्सॉर्ब में रिलेशन चाहिए तो मैंने यहां से बोला कि जो म्यू एब्सॉर्ब होता है वो जी फैक्टर इन टू बी इन टू बी नॉट डिवाइडेड बाई एच होता है कितने लोगों को ये समझ में आया इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों को इक्वेट कर दिया ये निकाल लिया अब इसके अंदर अगर मैं म्यू एब्सॉर्ब किसके लिए लिखूं प्रोटॉन के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा वन एच इज इक्वल टू जी फैक्टर ऑफ वन एच अच्छा बीटा तो दोनों के लिए सेम होगा बोर मैग्नेटॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम होगा और नीचे एच ये ये भी इसमें क्या होगा दोनों के लिए सेम होगा यस सर बोले भाई ये बात समझ में आ रही है ये किसके लिए हो जाएगा ये मान लो हमने क्वेश्चन बना लिया किसके लिए हाइड्रोजन के लिए ऐसे ही मैं किसके लिए लिख सकता हूं नाइट्रोजन के लिए म्यू एब्सॉर्ब ऑफ ये जी फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन इन टू बोर मैग्नेटोन सेम होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा एच की वैल्यू सेम होगी एक रिलेशन यहां है एक रिलेशन यहां क्लियर है इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए सर तो काम बन जाएगा देखो हम यहां से अगर इस इक्वेशन और इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो मैं हरे पेन से लिख रहा हूं म्यू एब्सॉर्ब ऑफ नाइट्रोजन यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है किसके लिए 14 नाइट्रोजन डिवाइडेड म्यू ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू जी फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई जी फैक्टर ऑफ प्रोटॉन ये रिलेशन जो हरे रंग का निकाल के लाया हूं ये सभी को समझ में आ रहा है यान? देखो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो भोर मैग्नेटॉन से भोर मैग्नेटॉन कट जाएगा बी नॉट से बी नॉट कट जाएगा एच से एच कट जाएगा सिंपल है अब यहां से पूछा क्या है सर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है तो यही हमारा एक्स हो गया इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 700 मेगाहर्ट्ज़ दी हुई है तो 700 मेगाहर्ट्ज लिख लेंगे जी यूनिट लेस होता है नाइट्रोजन का ऊपर लिखेंगे तो 0.40 पॉइंट फोर जीरो Divided by 5.6 इसको सॉल्व करेंगे x निकाल लेंगे ये x और क्या है ये नाइट्रोजन की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है सॉल्व करिए फटाफट कैलकुलेटर होगा सभी के पास 0.40 मल्टीप्लाई 700 डिवाइडेड बाय 5.6 वैल्यू एकदम डिक टू 50 निकल के आ रही है यानी D वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 यूनिट क्या रहेगी मेगा हर्ट सी रहेगी क्योंकि यहां से मेगा हर्ट सी आ रही है बताइए इज दिस एग्जाम्पल डाइजेस्टिबल और नॉट बेसिक से स्टार्ट किया है और पूरा इक्वेशन फिक्वेशन डिराइव करके बताया हुआ है क्लियर है सभी को अगर एनएमआर से सवाल आया बस मनाओ प्रे करो कि न्यूमेरिकल आ जाए प्रे करो न्यूमेरिकल आ जाए क्योंकि अगर आया आप छोड़ोगे नहीं आधी जनता फंसेगी प्लस मार्किंग हो जाएगी अपनी ठीक है दिस क्लियर टू वाला तो मैंने करा दिया अगला मैं आपसे करवाऊंगा फिर किसी को कोई समस्या तो नहीं है एक का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था दूसरे का पूछ रहा था हमने दोनों क्वेश्चन को क्लब किया एक क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लिया अगले सवाल पे चल रहा हूं ये, लो, ये था सवाल ज, नेट जून 2015, ये सवाल है नेट दिसंबर 2017। जल्दी से सॉल्व करके बताइए यहां दो न्यूक्लियस लिए हैं, एक प्रोटॉन है और एक सी है। दोनों के लिए जी फैक्टर दिया हुआ है सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में काम कर रहा है एक के लिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है दूसरे के लिए पूछ रही है बताइए <coughs> क्या बात है दीपा बहुत बढ़िया अब फिजिकल वाले अब बहुत तेज हो जाएंगे अचानक से और ऑर्गेनिक वाले अब खुश होने लगेंगे <laughs> एकदम लप्पू सवाल है अगर पहला कर लिया था तो ये कुछ भी नहीं है एकदम सेम कॉन्सेप्ट रिपीट कर दिया है खाली डाटा चेंज किया है बोलिए यस सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप फिर से मुझे कुछ करने की जरूरत तो है नहीं मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा न्यू एब्सॉर्ब वनएच का लिखूंगा दिस विल बी इक्वल टू जी फैक्टर ऑफ वन एच क्योंकि बाकी सब तो कट जाता है ना यार डिवाइडेड बाई कुछ नहीं आप ये भी याद रख लेंगे तो भी आपका सवाल हो जाएगा Mu 13C by G of 13C. का दिया हुआ है क्या हाँ सर ऊपर दिया हुआ है छह सौ नीचे एक्स पूछ रखा है हाइड्रोजन के जी फैक्टर कितना है 13C कितना है कितना आ रहा है भाई? सभी का डेढ़ सौ आ रहा है क्या मैं सीधा लिख दू डेढ़ मुझे सही से याद नहीं है आंसर डेढ़ है ना बहुत बढ़िया तो सर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है मुझे पता है जब आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे आपको ये भी नहीं करना होगा खाली डाटा देखेंगे टिक 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 करेंगे और आंसर निकाल लेंगे पर शुरू करने के लिए फॉर्मूला लिखिए समझिए कैसे हो रहा है क्लियर है नेट दिसंबर 2017 आगे चलते हैं दो सवाल हम आपके लिए होमवर्क छोड़ जा रहे हैं हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बैठ के सबको सॉल्व करें पहला क्वेश्चन होमवर्क दूसरा क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिएगा सेम उसी पैटर्न पर सवाल है नेट जून 2017 नेट दिसंबर 2015 ठीक है इसमें क्या कह रहा है फॉर अ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड कीपिंग हो जाएगा आसान सवाल है आप कर लेंगे एकदम जो आपने किया उसी के बेस पे नहीं हुआ हम कल डिस्कस कर देंगे नीचे वाला देखिए न न कुछ नहीं है वही सेम सवाल है बिल्कुल सेम कर लेंगे ना भाई होमवर्क दे दें हम इसको ये हो गया आपका होमवर्क और ये हो गया आपका होमवर्क आगे के कॉन्सेप्ट में जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मैं लेक्चर एक्सटेंड कर लूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके बाद किसी भी बैच का कोई लेक्चर तो नहीं है नॉट सिंगल स्टूडेंट शुड जिसका कोई लेक्चर हो सब लोग फ्री हैं। वो अलग बात है आपने किसी को टाइम दे रखा हो तो आप जा सकते हैं ठीक है लेकिन हम तो क्लास एक्सटेंड कर लेंगे ठीक है चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जो लोग ब्रेक में इस क्वेश्चन को रगड़ना चाहते हैं वो रगड़ दें बाकी हम मिलते हैं आपसे दस मिनट के बाद जितना मन करे ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद भाग मत जाइएगा ब्रेक के बाद इसके बाद और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट You are now muted. आ गए भाई सभी ये कर लिया आप लोगों ने <स्थाँग> मेरे ख्याल से कर ही लिया होगा यार। देखो ये वाला सवाल जो नेट जून 2017 में आया और एक और सवाल अभी आपने किया है नेट जून 2015 में आया इन्होंने कुछ नहीं बदला है सारा डाटा सेम है सब कुछ सेम है खाली क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज बदला है बाकी तो सब सेम ही है यही कैलकुलेशंस आपने वहां भी करी होंगी तो आपकी वैल्यू यहां पर मेगाहर्ट्ज मेगा होगी इसका मुझे नहीं पता इसका सॉल्व करना पड़ेगा सेम उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है कर लिया होगा आपने ठीक है चलिए तो ये सारी बातें अब हम समझ चुके हैं कहां तक हम लोग पहुंचे एक बार थोड़ा देख लो यार चलिए अच्छा ठीक है हाँ आइए यहां से आगे चलते चलिए ठीक है बहुत बढ़िया अगर टेन पॉइंट सिक्स आ रही है तो क्रॉस चेक कर लेना मुझे याद तो नहीं है एग्जैक्टली exactly, कितना आ रहा है कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे आप लोग के साथ कुछ लोग हैं अभी जो बाद में करेंगे आइए अब हेडिंग लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीसीजन या रेजोनेंस ठीक है ये क्या होता है सर प्रीसीजन क्या होता है या रेजोनेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे ऊपर जो ये छोटा सा फिगर आप देख रहे हैं इसके अंदर ये वही फिगर है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं हमने ये देखा है सर कि जब ग्राउंड स्टेट के ऊपर रेडियो वेव्स पड़ती हैं तो सर ट्रांजिशन होता है और ये स्पिन चेंज होती है हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है इसी ट्रांजिशन को हम जब नोट डाउन करते हैं तो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है यानी ये ट्रांजिशंस पढ़ना बहुत जरूरी है हमने इसमें ये समझा कि दो इनिशियली दो स्पिन स्टेट्स आती थी जो सेम एनर्जी लेवल की थी इनको

िसीजन क्या होता है इसको समझेंगे देखिए ये अगर आप न्यूक्लियाई देखेंगे यहां पर तो ग्राउंड स्टेट की एक न्यूक्लियाई है ये फिलहाल ऐसे रोटेट कर रही है तो थम छापने में व्यस्त मत रहो स्क्रीन पर देखो सुनो और समझो ये मिस हो गया तो समझ नहीं आएगा ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो थम ऊपर जा रहा है तो इसकी जो छोटी सी बी एन मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है ठीक है और ये अपने ही एक्सिस पर क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है जैसे ये पेन है ये अपने ही एक्सिस पर गोल 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 घूम रहा है ये अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से एक बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है फिर जब हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं जब हमने ये बी नॉट सप्लाई किया था ये बी नॉट लगाया था तो एक घटना घटती है इसके साथ इस न्यूक्लियस के साथ ये अपने ही एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इस डायरेक्शन में लगाते हैं ये पहले तो इस एक्सिस पे था अब ये कुछ एंगल से टिल्ट हो जाता है। ये जो टिल्टन, टिल्टनेस है इसी को हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लियस अपने एक्सिस से प्रेसेस हो जाता है टिल्ट हो जाता है झुक जाता है कुछ भी बोलिए ये तीनों चीजें एक ही चीज को बताते हैं कितने एंगल से झुक जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्रिसेस्ट एंगल की बात करें तो सर ये थीटा होता है क्या लिखूंगा मैं इसको प्रिसेस्ट एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू थीटा अब सर ये घूमने के बाद यू गोल गोल घूम भी रहा होता है साथ ही साथ ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा होता है ये क्या हो रहा है सर देखिए जैसे ही आप किसी न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं वो अपने एक्सिस पर तो घूम ही रहा होता है अब वो टिल्ट होने के साथ भी यूं गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है इसको समझने के लिए आप अर्थ का एग्जाम्पल लीजिए अर्थ सन का चक्कर भी लगा रहा होता है और वो अपने ही एक्सिस पर रोटेशन भी कर रहा होता है या फिर आपने कभी बचपन में लट्टू घुमाया होगा या अपने भाई बंधुओं को लट्टू घुमाते देखा होगा लट्टू जब घूमता है जब आप उसको यूं रस्सी से लपेट के नचा के फेंकते हैं तो पहले तो वो अपनी एक्सिस पर घूमता है और जब वो बंद होने वाला होता है तो वो थोड़ा सा टिल्ट भी हो जाता है वो ऐसे ऐसे भी घूमता है और यू, यू 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 भी गोल गोल नाच रहा होता है या ये किसी ने देखा है क्या इस बात से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं लट्टू जब घूमता है तो वो यूं गोल 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 तो पेन की तरह घूमता ही है लेकिन अब वो ऐसा चक्कर लगाना भी स्टार्ट कर देता है ठीक है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये न्यूक्लियस टिल्ट हो गया अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है और यू गोल गोल भी घूम रहा है अब जब ये घूमता है तो ये अपनी एक फ्रीक्वेंसी से घूमता है जिसे म्यू पी एफ लिखता हूं दिस इज कॉल्ड एज प्री से फ्रीक्वेंसी या प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी या फिर इसी को ज्यादा कॉमन वर्ड लार्मोर फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है नाम से लारमोर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है लारमोर फ्रीक्वेंसी जब हम किसी न्यूक्लियस को एक्सटर्नल फील्ड में डाल देते हैं और वो टिल्ट होने के अपने पर तो हो ही रहा है और जिस फ्रीक्वेंसी से अब वो गोल गोल घूम रहा है लार्मोर बोली समझ में आ रही है यहां लिखा हुआ है द प्रसेशन ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियस रिजल्टिंग फ्रॉम दी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोसेशन क्यों आया है क्योंकि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ठीक है यहां तक तो ये हुआ जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है तो अब इसी के ऊपर क्या डाला जाता है रेडियो वेव्स डाले जाते हैं और जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है अगर वो मैच कर जाती है इसी के प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी से यानी जो म्यू एब्सॉर्ब होगा या हम बोले क्या जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है कमिंग रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है किससे इस पी एफ वाली फ्रीक्वेंसी से म्यू पी एफ यानी फ्रीक्वेंसी या लारमोर फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहा होता है उसी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव आकर पड़ जाती है तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यहां पर फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है अब ये न्यूक्लियस कमिंग रेडियो वेव्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है और जब इसके पास एनर्जी आ जाती है तो ये फ्लिप कर जाता है तो एनर्जी फ्रॉम द रेडियो वेव्स इज ट्रांसफर्ड टू द न्यूक्लियर स्पिन स्पिन टू चेंज यहां से स्पिन चेंज हो जाता है अब समझ में आया रेडियो वेव से स्पिन चेंज कैसे हो जाता है जब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी और लार्मोर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तब न्यूक्लियस इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है और स्पिन चेंज हो जाता है और हम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं बताइए क्या आपको यह समझ में आया कि precession कैसे हुआ था precession होने के बाद क्या रेजोनेंस की कंडीशन क्या हुई लारमोर फ्रीक्वेंसी क्या होती है इनकमिंग रेडिएशन और लारमोर फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है एनर्जी एब्सॉर्ब होती है और ट्रांजिशन हो जाता है स्पिन फ्लिप कर जाती है तो हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं ये कहानी कितने लोगों को समझ में आई बताइए वैसे तो इसमें और डीप में जाया जा सकता है पर उसका कोई नीड नहीं है मैं आपको बस उतना ही बताऊं जितना आप संभाल सके ठीक तो है बहुत बढ़िया ठीक है इस पेज पे पूरा सारांश मेंशन है अगर आप देखें तो शुरू से अंत तक कैसे पूरी फ्लिपिंग हुई है अब आपके नोट्स अच्छे से बन जाए इस वजह से हमने इन बातों को पूरा लिख दिया है पॉइंट बाई पॉइंट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस बिगेन टू प्रिसेस ऑन इट्स ओन एक्सेस विथ एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं म्यू पी एफ बोलते हैं एक्सटर्नल हाँ फिर से सुनो पूरी कहानी फिर से रिपीट होगी जब हमने किसी न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो वो प्रेसेस करने लगता है टिल्ट हो जाता है और अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपनी एक अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करता है जिसे लार्मोर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस प्रिसेशनल या लार्मोर फ्रीक्वेंसी के मतलब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा लगाएंगे ना तो ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होने वाली है यानी जो न्यूक्लियस रोटेट कर रहा है वो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आ, रोटेट करने वाला है और सुनिए जो इनकमिंग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है इसमें आप न्यू रेडियो वेव्स लिख लीजिएगा इज अप्लाइड ऑफ़ सेम फ्रीक्वेंसी जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है तो जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है वो एब्सॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से स्पिन फ्लिप हो जाती है और इसी कंडीशन को रेजोनेंस का कंडीशन बोलते हैं ठीक है एक बार और समझिए इसी को ये देखिए ये कह रहा है कि जब ये घूमता है तो 60 मेगा से घूमता है यहां से हमने रेडिएशन डाला है 60 मेगा का कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अचीव होगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्बन के बाद स्पिन फ्लिप कर जाता है ये कटिंग मैंने पाविया बुक से ले रखी है बताइए ये फिगर समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है इस फिगर के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये प्रोसेस्ड है और घूम रहा है साठ मेगा का से साठ मेगा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी हुई स्पिन फ्लिप कर गया और ट्रांजिशन हो गई अगर आप फिगर बाय फिगर अपने दिमाग में चीजों को स्टोर करेंगे ना तो सब क्लियर होता है बताइए इतना क्लियर है बताइएगा भाई इज दिस क्लियर ठीक है एक बारी क्या करिए अपने इस पूरे फिगर को देखिए और शुरू से जो अंत तक हुआ है उसको अपने मन में रिवाइज करिए कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कैसे कैसे हम आगे बढ़े जो जो बातें मैंने बताई हैं उसको अपने अंदर फीड करिए उसको अपने अंदर दोहराइए अनुराग क्या करोगे पाविया बुक अभी आपको नहीं पढ़ना है पाविया बुक जब आप नेट निकाल लीजिएगा तो आराम से पढ़िएगा ठीक है दोहरा लीजिए एक बारी अपने मन ही मन में जो सारी बातें मैंने बताई हैं उसको दोहरा लीजिए और हो जाए तो बताइए हो गया एनर्जी प्रिसेशनल एनर्जी तो मैंने कहीं वर्ड ही नहीं इस्तेमाल किया प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया है जिसको को लारमोर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको मैं म्यू पी एफ से लिख रहा हूं और एक प्रिसेस्ड एंगल इस्तेमाल किया है जो थीटा है बहुत आसान सा देखो मान लो कि ये पेन है ये पेन न्यूक्लियस है ये पहले अपनी मस्त जिंदगी काट रहा था ऐसे 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 घूम रहा था लेकिन हमारे अंदर था कीड़ा हमने क्या किया लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही इसकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही ये ऐसे ऐसे तो घूम ही रहा था टिल्ट हो गया और अब ऐसे ऐसे भी घूमने लगा यूं 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 यू ऐसे ऐसे घूमने लगा ये जिस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है इसको बोलते हैं लारमोर फ्रीक्वेंसी आप ही देखो ना अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है और आप इसी फ्रिक्वेंसी का कुछ और भी डाल दो इसके अंदर और अगर ये मैच कर गया तो ये अब और भी तेज घूमने लगेगा और एक समय आएगा जब ये पलट जाएगा समझ पा रहे हो देखो ये ऐसे ऐसे मस्त घूम रहा है अगर आप थोड़ा इस इस फ्रीक्वेंसी को नॉन मैचिंग फ्रीक्वेंसी डालोगे ना तो ये रुक जाएगा बेचारा लेकिन अगर सेम फ्रीक्वेंसी की चीज डाल दोगे ना तो ये और स्पीड से घूमने लगेगा और समय आएगा कि ये पलट जाए यही हुआ है इन शॉर्ट ये जो हम बाहर से डाल रहे हैं ये रेडियो तो है कि नहीं आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी तो जोड़ के देख ही सकते हो जैसे मान लो कैसे बोले कभी वो गोला वाला स्विंग झुलाया है किसी को ऐसे गोला वाला जो होता है बैठ जाते हैं फिर चेयर पकड़ के यूं यूं करते हैं या फिर ये वाला ये वाला झूला जो होता है वो तो झुलाया ही होगा आपने जब उसके अंदर किसी को आप झुलाते हो धक्का देखे आप कोशिश करते हो कि उसी के मोशन में ही स्पीड लगाई जाए तब वो ऊपर तक जाता है लेकिन कई बार गलती से क्या होता है कि जब वो आ रहा होता है तभी हाथ लग जाता है या गलत डायरेक्शन में लग जाता है तो उल्टा उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो वो जो आप हो ना आप रेडियो वेव अप्लाई कर रहे हो और वो जो है ना वो झूले पे जो झूल रहा है वो एक न्यूक्लियस है जो अपनी स्पिन पे अपनी एक फ्रिक्वेंसी से घूम रहा है आप कोशिश करते हो कि वो स्पीड और आपकी स्पीड मैच कर जाए तो फिर वो और ऊपर तक जाता है अब कनेक्ट कर पा रहे हो चंद्रयान भी इसी टेक्निक पर गया था सर इतना तो यार हमें नहीं आइडिया है इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा चले आगे नहीं आप लोग अभी चांद पर पहुंच जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी ठीक <laughs> है लट्टू वाला ज्यादा समझा तो लट्टू वाला समझा जिन्होंने लट्टू घुमाया है बचपन में वो भी समझ सकते हैं आपके सामने फिर से एक फॉर्मूला आने वाला है ये रायता मैं यू यू फैलाता हूं क्योंकि मुझे आपको कराने होते हैं देखो हमने बोला कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मतलब आप जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ये घूम जो रहा है ये और स्ट्रॉन्ग मतलब कि और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से घूमेगा तो यहां से हम एक रिलेशन ड्राइव करके निकालते हैं हमने बोला कि जो म्यू प्रिशनल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बी नॉट के अः म्यू प्रिशनल फ्रीक्वेंसी जब प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आता है गामा बी नॉट यानी आपसे वो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी वर्ड बहुत कम इस्तेमाल करेगा वो ज्यादातर क्या इस्तेमाल करेगा लार्मोर फ्रीक्वेंसी यानी कभी भी आपसे लार्मोर फ्रीक्वेंसी पूछे तो उसका जो वैल्यू होता है यानी उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज गामा पी नॉट ये है रिलेशन नंबर तीन जो आपको याद रखना है सीधा इसके ऊपर आपको सवाल मिलेंगे बताइए चलें आगे करें क्या बोलते हैं लार्मोर फ्रीक्वेंसी लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या होती है गामा पी नॉट लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको बोलते हैं लार्मोर फ्रीक्वेंसी ठीक है

टेस्ला यूनिट लिखना कभी मत भूला करिए थ्री टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला से टेस्ला कट जाएगा फ्रीक्वेंसी है लार्मोर फ्रीक्वेंसी है तो जाहिर सी बात है आ, मेगा हर्ट्स में आनी चाहिए मल्टीप्लाई करिए पांच के ही पंद्रह तीन और तीन सही किया मैंने ये क्या कर दिया सर ये कौन सा टेबल पढ़ लिया आपने थर्टी वन मेगा आ रहा है सभी का अरे आप लोग एक्सपर्ट हैं तो सर निकाल दिया हमने क्या आ गई है लारमोर आ गई कोई समस्या किसी को नो सर आगे चले आसान है एक सवाल प्रीवियस ईयर कर दीजिए गेट 2016 कैलकुलेट करके बता दीजिए दो अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अब बोलेगा कुछ नहीं है सवाल में क्या बात है अनुराग बहुत बढ़िया हमें चाहिए आंसर सभी लोग से भाई ट्राई करिए अच्छा कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि पहले वाले सेशन में तो थे ब्रेक के बाद गायब हो गए क्यों भाई हम इतना सीरियस होते हैं आपको लेके और आप अपने आप को लेके ही नहीं सीरियस होते क्या करें कैसे होगा बताइए बताइए भाई आंसर सभी लोग टेन पॉइंट सिक्स नाइन टेन पॉइंट सिक्स नाइन कोई समस्या तो नहीं है सवाल में सभी से हो रहा है कोई ऐसा जिसको अड, अड़कन अचकन लग रही है कह रहा है लार्मोर फ्रीक्वेंसी ना 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 किसकी इसकी तो हम ऐसा करते हैं म्यू प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी प्रोटॉन की कितनी है फोर्टी टू है सर बहुत बढ़िया कह रहा है मैग्नेटोगारिक रेशियो गाइरोमैनेटिक रेशियो जो पढ़ना है इसको पढ़िए 1H की कितना है 6.75 10 रे टू द पावर 7 पर टेस्ला पर सेकंड और यही वैल्यू सर 13C लिए कितनी है सर 6.72 10 रे टू द पावर 7 पर टेस्ला पर सेकंड ठीक है उन्होंने डिस्पेड द लारमोर फ्रीक्वेंसी म्यू प्रसेसशनल फ्रीक्वेंसी या लार्मोर फ्रीक्वेंसी 13C की कितनी होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में एक टेस्ला लिया हुआ है तो ये कोई सवाल हुआ लपू सा सवाल है ये एकदम प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू किसकी वन एच की इज इक्वल टू गामा वैल्यू ऑफ वन एच विच इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव इन टू टेन इतना सॉल्व कर स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है आपको नहीं करना एक्सप्लेन

अब यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई है? 1H की दी हुई है, 13C की पूछी हुई है। 7.6.72 मल्टीप्लाइड बाय 42.57 डिवाइडेड बाय 6.75 यूनिट्स मेगाहर्ट्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स ही आपका क्या है? म्यू प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ़ 13C। अरे बाप रे, अब बताइए आंसर कितना आ रहा है? यही सॉल्व किया है ना Multiplied by 42.57 बाई फोर्टी टू हैं ये क्या आ रहा है कुछ गलत कर दिया क्या मैंने भाई, 26 26 कौन सा ओ ओ ओ अच्छा 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 सॉरी 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 तो ने 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 आ, तभी मैं कहूं सब का का है 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 कर देता आंसर आ रहा भाई. तो सवाल ऐसा नेट में भी आएगा में आएगा तो ऑप्शन देगा गेट में आएगा तो एनटी रहेगा कोई समस्या किसी को बस भगवान से प्रार्थना करिए कि न्यूमेरिकल आए. तीन फॉर्मूले बताए हैं तीनों पे न्यूमेरिकल जिस टाइप से पूछे जाते हैं बताए हैं आएगा लपेटिएगा आगे बढ़ जाइएगा चले आगे बताइए इतना समझ में आया आपको तो फिर और थोड़ा अंदर चला जाए और अब रियल एन चालू किया जाए अभी तक तो मैं बहुत बेसिक्स में डील कर रहा था इसलिए क्योंकि तो मुझे आपको ये फॉर्मूले बताने थे कि ये ओरिजिनेट कहां से हुए हैं मैं ये भी लिख के आगे बढ़ सकता था ठीक है इस पेज पे पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है क्या चल रहा है मामला कैसे चल रहा है सब समझाया हुआ है आइए आगे चलते हैं अब जो हम अगली हेडिंग लिखेंगे वो होगा इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या फिर शील्डिंग और डीशील्डिंग क्या होती है के अंदर हर बार कोई भी हमको पढ़ाता है बार बार यही बोलता है सर ये शील्डेड है ये डीशील्डेड है आखिर ये लफड़ा क्या है आज शील्डिंग और डीशील्डिंग को एकदम जड़ से उखाड़ देंगे ठीक है चलिए समझते हैं देखिए आपके पास ना एक न्यूक्लियस है ये जो हरे रंग का सर्कल दिख रहा है ये एक न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने लिखा लिखा है 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 बहुत छोटा आपको विजिबल शायद होगा N +P लिखा है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन है और इसके अंदर प्रोटॉन है न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स यानी इस वाली जो ब्लैक वाली एक्सिस मैंने बनाई है इसके अंदर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी तो रोटेट कर रहे होते हैं अच्छा ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि अब मैं इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को इंक्लूड करूंगा यानी ये भी देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या घटना घटती है इस वजह से मैंने हेडिंग क्या लिखी है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियस के बाहर क्या मामला है उसको भी तो समझें अभी तक जो भी चर्चाएं कर रहे थे वो हम न्यूक्लियस के ऊपर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं देखो जब न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पे घूमता था, एक था वो, तो तो वो जनरेट करता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड जैसे न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन था वो अपनी एक्सिस पे घूमता था तो बहुत छोटा सा बी एन जनरेट करता था वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चक्कर भी लगा रहे हैं और ये भी अपना एक बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे बीई यानी ये इलेक्ट्रॉन भी क्या जनरेट कर सकता है सर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है आपने बचपन में मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करे होंगे ये कुछ यू जनरेट कर रहा है ठीक है इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ ये है यानी ये ऊपर से निकल रहा है और नीचे आके फिर से घुस जा रहा है यूं इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट लगाया है कैसा नीचे से ऊपर तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं क्या कह रहा हूं कि ई है क्योंकि तो ये किसके वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से ठीक है तो अब जो बी नॉट हमने लगाया है क्या वो पूरा का पूरा मेरे न्यूक्लियस के पास पहुंच पा रहा है या रास्ते में कोई लोग बैठे हैं जो उसको खा जा रहे हैं यस yes, पूरा का पूरा नहीं पहुंच पा रहा बीच में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो उसको और खा जा रहा है उसको कम कर दे रहा है इस वजह से अब हम ये जानेंगे आखिर वो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितना है जो हमारे न्यूक्लियस के पास असल में पहुंच पा रहा है पता चला हमने लगाया दस पहुंच रहा है पांच तो ये जो पांच है इसी को मैं इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं देखो अब इन्हीं चीज को हम थोड़ा सा लिख के बताते हैं आपको जो बी इफेक्टिव होगा यानी जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में न्यूक्लियस के पास पहुंच रहा है वो होगा बी नॉट जो हमने अप्लाई किया माइनस बी जो इलेक्ट्रॉन्स ने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और अप्लाइड ऐसे तो ये कैंसल आउट कर देंगे यानी कुछ कम कर देंगे सर दिस बी इफेक्टिव इज एक्चुअली द इलेक्ट मैग्नेटिक फील्ड विच ज एक्चुअली रीचिंग टू द न्यूक्लियस बताइए बी इफेक्टिव का मतलब समझ में आया शील्डिंग डे शील्डिंग मत अभी घुसाओ मैं बताऊंगा सब अभी बताइए बी इफेक्टिव का मतलब समझ में आ गया बहुत बढ़िया तो अब हम पकड़ेंगे केस नंबर वन केस नंबर वन में मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो न्यूक्लियस के बाहर है बहुत ज्यादा है एकदम जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो सर यहां से जनरेट होने वाला बीई यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वो भी बहुत ज्यादा होगा सही बात है सर अब जब बीई अगर ज्यादा जनरेट होगा तो जो बी इफेक्टिव होगा ये बताना ये कम होगा या ज्यादा होगा अगर बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और बीई जो है वो भी बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सर बी इफेक्टिव आपका कम हो जाएगा यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी सर सही बात है अब इसके वजह से जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा वो ये बता सकता है देखिए जरा कितना समझे हो तुम अगर बी इफेक्टिव कम हो गया तो बताइए प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बढ़ेगी या ये घटेगी बहुत बढ़िया क्या बात क्या बात एकदम मन खुश कर दिए हो सर इस बार आपकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी तो कम हो जाएगी क्यों क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सर अप्लाई तो आपने जो भी किया हो लेकिन पहुंचा तो कम है और अगर पहुंचा कम है तो वो घूमेगा भी कम यानी इस बार प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है हम प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के पीछे क्यों पड़े हैं पता है जो आप एनएमआर के ग्राफ्स देखते हैं ना आप जो केमिकल शिफ्ट निकालते हैं ना वो और कुछ नहीं वो ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ही नोट डाउन कर रहे होते हैं कि, कि किसका न्यूक्लियस किस फ्रिक्वेंसी पे घूम रहा है बाद में जाके हम देखेंगे कि इसको केमिकल शिफ्ट कैसे बनाया जाएगा पर जो आप एक्चुअल डाटा नोट करते हैं ना वो यही प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होता है यानी अगर मैंने बाहर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा कर दिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कर दी तो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और इसी को मैं क्या बोलता हूं, शील्डिंग बोलता हूं। क्या बोलता हूं शील्डिंग बोलता हूं कि शील्डिंग की वजह से जो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड कर दिया गया है वो पहुंच नहीं पा रहा न्यूक्लियस के पास बताइए बात समझ में आ रही है तो हम क्या बोलते हैं जो हमारा nucleus है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड कर दिया गया है shielded हो गया है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है Case two लेते हैं Excuse me, sir. हाँ मधु बताइए सर लास्ट टाइम जब लिए थे सर एक्सटर्नल फील्ड में एटम घूम रहा था तो हाफ स्पिन पॉजिटिव में गया था हाफ स्पिन नेगेटिव में गया था सर जब रोटेशनल एनर्जी अप्लाइड किए थे सर तो उसमें वो उसी से घूमने लग गया था वो न्यूक्लियस था ना वो तो न्यूक्लियस की बात थी ना ये एटम की बात हो रही है सर एटम की बात नहीं हो रही है देखिए हम क्या कर रहे हैं अब हम न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इफेक्ट समझ रहे हैं जब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने अभी एक बनाए हैं इसके बाहर बहुत ज्यादा होंगे इनके द्वारा जनरेट किया जाने वाला बीई यानी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होगा तो जब बीई क्या करता है ये अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्योंकि बी नॉट हम इधर लगाते हैं तो बीई इसके अपोजिट तो एक्चुअल जो बी नॉट है वो न्यूक्लियस के पास पहुंच नहीं पा रहा न्यूक्लियस के पास पहुंच के जो कहानी होगी वो तो ऊपर ही कर ली डिस्कस हम ये देख रहे हैं कि पहुंच कितना रहा है हमने लगाया बी नॉट इसमें से बी ई सब्ट किया तो जो बचा बेचारा बी इफेक्टिव वो पहुंचा तो हम कह रहे हैं कि अगर बी ई ज्यादा होगा तो जो पहुंचने वाला है वो कम होगा अगर जो जो पहुंचा कम कम तो तो घूमेगा घूमेगा वो भी तो कम ना इसका मतलब मैं पीछे आ रहा हूं ये जो हमने यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई अगर ये बहुत कम लगाई तो ये घूमेगा भी कम से इसके बाद की कहानी नहीं कर रहा रेडियो वेव्स नहीं डाल रहा हूं मैं समझ रहे हैं चलिए अच्छा आप लोग क्या कर सकते हैं ना जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आप उसको दोबारा से सुनिएगा अगर आपको एन का कुछ नहीं आता था इससे पहले तो आपको समय लगेगा चीजों को पकड़ने में ठीक है आप दोबारा सुनेंगे और समझ में आएगा जिनका थोड़ा बहुत भी बेसिक्स था ना उनको बहुत मजा आने वाला है ठीक है लेकिन अगर आप सुनेंगे क्योंकि अच्छी बात यह कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं आप चाहें तो उन्हें दोबारा भी देख सकते हैं ऑफलाइन में ये सुविधाएं नहीं होती हैं वहां एक बार जो गया टीचर के मुख से जो निकला वो निकल ही गया फिर दोबारा नहीं सुनने को मिलेगा ठीक है फिर से बताते हैं न्यूक्लियस है अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर क्या हो रहा है हमने अपने साइड से बी नॉट लगाया था ठीक है लेकिन वो बी नॉट पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि बीच में बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं शील्ड वो आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कुछ खा जाते हैं जितना ज्यादा बीई होगा सर जितना ज्यादा आप बाहर इलेक्ट्रॉन रखेंगे उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी और पहुंचने वाला बी इफेक्टिव उतना कम होगा अगर बी इफेक्टिव कम पहुंचेगा ये अपने अपने ऐसे ऐसे घूम रहा था इस पर बी इफेक्टिव कम पहुंचेगा तो ये घूमेगा धीरे 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 और ये घूमेगा तो फिर डाटा भी कम कम आएगा इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं शील्डिंग बोलते हैं ठीक है अब आते हैं केस नंबर टू पे केस नंबर टू में मैं कहता हूं कि चलिए माना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के बाहर वो बहुत कम है तो अब बीई जो जनरेट होगा वो भी बहुत कम होगा तो अब मुझे बताइए कंपेयर टू द प्रीवियस केस अब जो बी इफेक्टिव है वो ज्यादा होगा या कम होगा जल्दी बताइए अब इसका जो बी इफेक्टिव है वो कंपेयर टू द प्रीवियस केस थोड़ा तो ज्यादा पहुंचेगा ना यार क्योंकि सर बीई कम हो गया है अब बी इफेक्टिव थोड़ा बढ़ेगा सर हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हमने दस दस लगाए तो दस पहुंच जाएगा कुछ तो इलेक्ट्रॉन खाएगा दस का आठ पहुंचेगा दस का सात पहुंचेगा लेकिन कुछ तो अब पहले के कंपेरिजन में ज्यादा पहुंचेगा अब जब बी इफेक्टिव ज्यादा पहुंचेगा तो बताइए प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी या कम होगी सर कंपेयर टू द प्रीवियस केस अब तो ज्यादा पहुंचा है तो घुमाएगा भी ज्यादा सर यानी प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी ज्यादा होगी क्या बात है अगर प्रिफ्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो डाटा भी हाई आएगा इसी को क्या बोलते हैं डीशील्डिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं यहां पे क्या हुई है डीशील्डिंग हुई है सर हम ऐसा बोलते हैं द न्यूक्लियस इज डीशील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और पहले वाले केस में क्या था शील्डेड था यहां डीशील्डेड है बात समझ रहे हैं डीशील्डिंग का मतलब समझ में आया डी शील्डिंग में भी रोका जा रहा है लेकिन कम रोका जा रहा है बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं शील्डिंग क्या होती है डी शील्डिंग क्या होती है समझ में आया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होता है ये समझ में आया जल्दी बताइएगा अभी एक एग्जाम्पल लेंगे ना तो और भी चकाचक समझ में आएगा देखिए अब इसको लाके जोड़ते हैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से और अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है सर जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर दो एग्जाम्पल्स लिए मैंने इस सेंटर पे हमने क्या लिखा एक सी एच लिखा और इस कार्बन से क्या लगा हुआ था फ्लोरीन और यहां एक लगा दिया क्लोरीन और यहां पर भी क्या लिख दिया सी एच लिख दिया हम काम कर रहे हैं किसके अंदर वनएच एन एम आर के अंदर यानी हम किसके न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं हमारा पूरा फोकस इस थीके? तो ठीक है इलेक्ट्रॉन तो खींचना स्टार्ट कर रहा है क्लोरीन भी माइनस आई लगाएगा लेकिन उतना नहीं लगाएगा जितना फ्लोरीन लगा देगा इसका मतलब इस हाइड्रोजन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी ज्यादा कम कर दी गई है अगर इसके बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी गई है फिर से लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू पड़ोसी सेंटर काफी ज्यादा डिक्रीज कर दी जाएगी तो सर जो बीई होगा वो भी तो डिक्रीज कर जाएगा यानी जो बी इफेक्टिव होगा वो ज्यादा होगा यानी जो म्यू प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगा इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो प्रोटॉन है ये डी शील्डेड है और डी-शील्डेड प्रोटॉन है तो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी ज्यादा मिलेगी बाद में इसी प्रशनल फ्रीक्वेंसी को केमिकल शिफ्ट बोल दिया जाएगा बात समझ में आ रही है इसी वजह से आप हमेशा बोलते आते थे डीशिल्डेड प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट ज्यादा होता है डीशिल्डेड प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट ज्यादा होता है अब आपको रीजन भी मालूम है क्या होता है कैसे होता है सब समझा रहे हैं क्लोरीन के केस में आइए क्लोरीन के केस में कंपेयर टू हैं सर यहां पर बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी कंपेयर टू फ्लोरीन ज्यादा होगी तो यहां पर फिर मैं पूरा लिख देता हूं फिर से जो बी ई होगा सर वो भी ज्यादा होगा इसके वजह से जो बी इफेक्टिव होगा वो कम होगा तो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम होगी इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये शील्डेड है सर मैं फिर से कह रहा हूं मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर कर रहा हूं स्टडी है शील्डेड ये।, ये कैसा है डीशील्डेड और जब मैं आपसे पूछूं कि किसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो कि आगे जाके केमिकल शिफ्ट बन जाएगा इसमें से किसका केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगा ए का या बी का तो आप बोलेंगे सर जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है जो आगे जाके केमिकल शिफ्ट बनेगा वो ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी बताइए बात समझ में आ रही है बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा हूं आपको कोई मास्टर इतना आपको बताएगा ही नहीं क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता इतना डिटेल में तो क्या बताएगा बताइए इज दिस क्लियर फिर सर समस्या क्या होने लगी आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हम प्रेसनल फ्रीक्वेंसी को केमिकल शिफ्ट बनाने लगे हमने इसको प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बोला सर यहां कारणों की शील्डिंग या डिशील्डिंग की बातें कार्नोन कार्बन कार्बन नहीं नहीं अरे हम हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं इसके न्यूक्लियस के बाहर जो है वो उसकी बात तो इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन तो के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम हाइड्रोजन वन एच एन एम आर पढ़ रहे हैं ठीक है भाई इनएक्टिव फिनक्टिव में मत जाइए मत लिखो अरिजीत सिंह ऐसी बातें छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे उनको भी नहीं आती चीजें आप नहीं समझ रहे हैं कभी आप लिख देते हैं पता नहीं कैसा शॉर्टकट डिंग टू डी एन इज इक्वल टू वन तो हमें ही नहीं समझ में आ रहा कि उसमें क्या चल रहा है दीक्षा ने आंसर करने की कोशिश करी है क्योंकि बिकॉज फ्रीक्वेंसी सब इंस्ट्रूमेंट में अलग होता है आ, आएंगे हम इस पे भी मतलब आपका आपने पढ़ा है कहीं ये बात पता लग रही है दीक्षा इससे पर बहुत एग्जैक्ट आंसर नहीं है आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है देखिए अब क्या हुआ कि जब हमने अलग अलग केसेस में हाँ मधु जी बताइए S की, ये C की, बात हो रही है, की बात हो रही है क्योंकि जब भी हम एनमार में जाएंगे ना तो हम वन एच एन आर लेने वाले हैं यानी कि हम इनके लिए जो पीक्स होती हैं उनको मेजर करते हैं हाइड्रोजन की बात हो रही है तो सर वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होंगे सर देखिए हाइड्रोजन के बाहर क्या मामला है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन के बाहर फ्लोरीन था तो उसने सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली इस हाइड्रोजन के बाहर क्लोरीन था तो इसने कम खींची तो हम इसके बाहर कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो जो पीछे मैंने इतने सारे फिगर बना रखे थे ऐसे ऐसे वो सब इस हाइड्रोजन के थे ठीक है देखिए अगर जिनको कॉन्सेप्ट नहीं ग्रैप कर पा रहे हैं क्योंकि उनका बेसिक्स थोड़ा वीक है तो आप क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हो रहे हैं ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर एट एंड ठीक है और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आप लेक्चर को रिकॉर्डेड को एक बार फिर से सुनिए पूरा शुरू से डॉट बाई डॉट जब कनेक्ट होएगा तभी बात बनेगी ठीक है

तो हमने डिसाइड किया कि कुछ करना पड़ेगा इसको कुछ तो बदलना पड़ेगा क्योंकि इनके जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो जो पीक्स हैं वो बहुत पास पास आ जाती हैं और खिचड़ी पक जा रही है हम पीक्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो यहां से नीड समझ में आई कि कुछ करना पड़ेगा हमने क्या किया हमने डिसाइड किया कि अब से हम एक रेफरेंस सैंपल लिया करेंगे और उस रेफरेंस सैंपल के रिस्पेक्ट में हम अपने शिफ्ट को मेजर किया करेंगे उस रेफरेंस सैंपल को हम जीरो पे सेट कर देंगे और बोलेंगे कि अब इस जीरो से कौन कितना आगे है वही हम वो मेजर करने लगेंगे कुछ लोगों को क्लिक कर गया होगा अब इसके बाद समस्या समझ में आ गई क्योंकि प्रोसेसनल फ्रिक्वेंसी मेजर करना बहुत मुश्किल हो रहा था तो हमने क्या किया अब आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट और शिफ्ट क्या होता है दो चीजें होती हैं ठीक है थीके? एक होता है आपका शिफ्ट और एक होता है आपका केमिकल चल दोनों समझाऊंगा देखिए चूंकि दिक्कत आ रही थी तो अब हमने डिसाइड किया कि हम टीएमएस जैसा एक रेफरेंस लेंगे ठीक है तो टीएमएस इसलिए लिया था इसके वैसे अपने बहुत सारे रीजन है पर जब आप टीएमएस को देखते हैं तो इसके अंदर बारह हाइड्रोजन है करेक्ट और कार्बन और सिलिकॉन की जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे तो बताइए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा अगर कार्बन और सिलिकॉन की बात करें विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जल्दी बताइएगा। कार्बन और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन है पीरियोडिक टेबल सर कार्बन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा इधर डेल्टा नेगेटिव होगा अब और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं इसका मतलब ये हाइड्रोजन कैसा है शील्डेड है सर। शील्डेड है मतलब कि इसकी प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी काफी कम होगी ये एक्चुअली हमने फिक्स कर दिया कि ये जीरो के आसपास होगा ठीक है इसको हमने रेफरेंस लिया और इसकी जो प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी उसको फिक्स कर दिया कि ये जीरो होगा और हम मेजर करने लगे क्या शिफ्ट मेजर करने लगे अभी पहले केमिकल शिफ्ट नहीं आया पहले शिफ्ट आता है तो शिफ्ट क्या होता है सर शिफ्ट होता है प्रिशेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन किसी भी सैंपल का जो आप मेजर कर रहे हैं माइनस प्रिशेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ टी एम एस यानी जो हमने टीएमएस जो कि हमने एज रेफरेंस सैंपल लिया था इसको मेजर करने लगे हम ये समझने लगे कि इससे कितना आगे आए हैं या इससे कोई किससे कितना आगे है वो मेजर करने लगे शिफ्ट हमेशा मेजर किया जाता है किसके अंदर हर्ट्ज के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात थी ठीक है, शिफ्ट के फॉर्मुलेज भी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बन जाता है तो शिफ्ट क्या होता है प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाइड्रोजन अंडर ऑब्जर्वेशन यानी जिसका भी हम लेना चाहते हैं और माइनस प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस ठीक है तो यहां पे क्या लिखा है हम के में मेजर करने लगे लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आई फिर से एक प्रॉब्लम आने लगी जिससे हमें केमिकल शिफ्ट की तरफ जान, जाना पड़ा देखिए अब हर जगह जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा या जो एनएमआर मशीन होगी वो उतनी अच्छी तो होगी नहीं अब जैसे मान लो इंडिया तो अब काफी डेवलप कर गया है, हमारे पास तो अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आ गई हैं जैसे मान लीजिए कोई वीक कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया उनके पास बहुत अच्छी अच्छी मशीनें नहीं है तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की मशीनों को ले सके तो हुआ क्या जब हम शिफ्ट मेजर करते हैं ना मान लीजिए हमने किसी एक प्रोटॉन के लिए शिफ्ट मेजर किया उसके लिए आया म्यू प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी एच माइनस म्यू प्रिशेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी टी एम एस और ये हमने मेजर किया लाइट सपोज एक 500 टेस्ला की मशीन पर 500 वैसे बहुत ज्यादा होता है हम एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहे हैं हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया कितना 500 टेस्ला का और यही चीज किसी और कंट्री में मेजर करी गई सेम प्रोटॉन वही प्रोटॉन हमने सेम लिया और उसको हमने किसी और कंट्री में मेजर किया तो उसके लिए जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आई आ, वो क्योंकि हमारे पास मशीन अलग है मान लीजिए वहां 200 टेस्ला की है तो वहां प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी कुछ और आने लगी तो अब ये जो डिफरेंस है वो बदलने लगा यानी जो शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ क्या तो इंडिया में, में मेजर किया तो कुछ और अमेरिका में किया तो कुछ और बांग्लादेश में किया तो कुछ और फिर से समझो जब हमने प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसीज को मेजर किया तो वो बहुत क्लोज क्लोज आ रही थी और स्पेक्ट्रा जो था वो ड्रॉ नहीं हो पा रहा था तो हमने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना एक रेफरेंस सैंपल लिया जाए और उसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाए हमने डिसाइड किया कि टीएमएस हमारा रेफरेंस सैंपल होगा हमने लेट सपोज टेस्ला की मशीन पे काम किया टीएमएस को स्टैंडर्ड सेट किया हमने बोला टीएमएस से ये इतना आगे आता है लेकिन अगर मैं 200 टेस्ला पे काम करूंगा तो यार वो मशीन तो थोड़ी पुअर हो गई ना तो उसमें प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी तो बदल जाएगी ना तो हमें पता लगा ये टीएमएस से बस इतना ही आगे आता है तो शिफ्ट की वैल्यू तो मशीन पे डिपेंड कर रही है ना कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है बताइए टीएमएस हमने फिक्स कर दिया कि चलो ये रहेगा जीरो पे ठीक है एक हमने कोई भी प्रोटॉन ले लिया उसका शिफ्ट मेजर किया हमने बोला ये टीएमएस से फलाने आगे आते हैं लेकिन पांच सौ टेस्ला पे कोई गरीब देश है उसके पास दो सौ टेस्ला के मशीन है वही सेम प्रोटॉन वो वहां मेजर कर रहा है उसकी प्रिस्टेशनल फ्रीक्वेंसी कुछ और आ रही हो कह रहा है हमारा टीएमएस से इतना आगे आ रहा है तो हम एक पॉइंट पे आए कैसे शिफ्ट की वैल्यू तो अलग हो रही है क्यों क्योंकि सर ये जो प्रिस्टेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बदल जा रही है जब हम अपनी फील्ड स्ट्रेंथ को बदल रहे हैं क्यों भाई बात समझ में आ रही है जैसे ही फील्ड स्ट्रेंथ बदली जा रही है प्रोटॉन की प्रिस्टेशनल फ्रीक्वेंसी बदल जा रही है बोलिए तो इसका समाधान करने के लिए हमने क्या किया हमने केमिकल शिफ्ट का इजाद किया हमने बोला ठीक है ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा करिए आप आप अपनी जो शिफ्ट की वैल्यू है ना हमने क्या किया जो भी शिफ्ट होता है हर्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ठीक है तो मान लो हमारी जो भी शिफ्ट आई थी उसको डिवाइड कर दिया फर्स्ट वाले केस में पांच टेस्ला से तो ये आया एक्स दूसरे वाले केस में जो भी शिफ्ट वैल्यू आई थी उसको डिवाइड कर दिया बी नॉट से तो दूसरे वाले केस में जो शिफ्ट है इसको क्या बोल देते हैं चलो ये वाला एस डैश ले लेते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू दूसरी आएगी इसको डैश कर लेते हैं तो यहां जो डैश वाली वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे किससे 200 टेस्ला से और अब इसकी भी वैल्यू एक्स आने लगी यानी शिफ्ट का और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो हर केस में हमें सेम मिल रहा होता है चाहे हम इंडिया में मेजर करें चाहे पाकिस्तान में करें चाहे अमेरिका में करें तो बस एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल गई हमने बोला इसी यही जो वैल्यू होगी इसी को केमिकल शिफ्ट बोला जाएगा यानी जो केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा बहुत ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है केमिकल शिफ्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू शिफ्ट डिवाइडेड बाई केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है दिस इज इक्वल टू शिफ्ट जो कि हमेशा हर्ट्स में होता है डिवाइडेड बाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम क्या बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो भी शिफ्ट वैल्यू आई है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर दें ये रेशियो हमेशा सेम होता है और इसी को केमिकल शिफ्ट बोला जाता है बोलिए क्या बात समझ में आ रही है फिर से सुनो जो 500 टेस्ला पे शिफ्ट आया था और जो 200 टेस्ला पे शिफ्ट आया था जब इसके शिफ्ट को 500 टेस्ला से और दूसरे वाले शिफ्ट को 200 टेस्ला से डिवाइड कर दिया गया ना हर केस में रेशियो सेम आता है उसी रेशियो को हम बोलने लगे कि यह केमिकल शिफ्ट है और हम उसी रेशियो को हर बार मेजर करने बहुत डीप में जा रहा हूं मैं आपके लिए जो काम की बातें हैं उस पे भी आऊंगा अभी मैं यानी कि जो सर टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं अब वो कितनी टाइप की फ्रीक्वेंसीज बन गई हैं एक हमने क्या देखा था म्यूAbsorb देखा था जो कि कौन सी थी जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर थी सबसे पहला वाला दूसरा हमने देखा है म्यू प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ये वो है जिससे ये हमारा न्यूक्लियस घूमता है और एक तीसरी होती है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अब ये नया बवाल क्या ले आए सर आप जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है ये मशीन की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है मतलब सर मान लीजिए आपने 500 टेस्ला की मशीन पे काम किया तो हम टेस्ला यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं हर्ट्स की यूनिट में तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एक हर्ट्स की यूनिट ले लेंगे उसको बोला जाएगा ये मशीन की अपनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है टेस्ला को मेगा में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो 1.4 टेस्ला में 60 मेगा होता है तो हमें पास कोई भी टेस्ला होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर मेगा के अंदर तो ये क्या बोला जाएगा ये मशीन की अपनी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है यानी अब जो फाइनल फॉर्मूला किसी केमिकल शिफ्ट का बनेगा तो केमिकल शिफ्ट विल बी इक्वल टू शिफ्ट जो कि किस में होता है हर्ट्स में हमने इसको टेस्ला में ना लेके इसको मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया किसको मशीन की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी को तो ये क्या हो जाएगा मेगा हर्ट्स हो जाएगा यूनिट्स बताने जा रहा हूं ध्यान से देखना हर्ट्स से हर्ट्स क्या हो जाता है कैंसिल और मेगा क्या होता है टेन रेस्ट तो पावर सिक्स जब ये ऊपर आएगा तो ये टेन रेस्ट तो पावर माइनस सिक्स बनेगा और इसको क्या बोलते हैं पीपीएम बोलते हैं यही रीजन होता है कि आप केमिकल शिफ्ट हमेशा किस में मेजर करते हैं तो पीपीएम में मेजर करते हैं क्या बात समझ में आ रही है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है ना केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू शिफ्ट डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द मशीन यही इंपॉर्टेंट है सब भूल जाओ लेकिन ये मत भूलना इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है बताएं कितने लोगों को पूरा डाइजेस्ट हो गया कितने लोगों को पूरा डाइजेस्ट हुआ एक बार फिर से संक्षिप्त में सुन लो देखो हम आए थे कहां से यहां से हमने दो प्रोटॉन्स की प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी मेजर करी लेकिन दिक्कत ये हो रही थी प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसीज बहुत क्लोज होती हैं हम मेजर नहीं कर पा रहे थे हमने डिसाइड किया कि एक टीएमएस लेते हैं रेफरेंस सैंपल लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे है लेकिन और उसी को हमने क्या बोल दिया शिफ्ट बोल दिया लेकिन शिफ्ट में भी एक दिक्कत है कि जब 500 टेस्ला पे करेंगे तो चलिए कि तो पूरी दुनिया 500 टेस्ला पे करे तब तो टीएमएस के रिस्पेक्ट में कभी नहीं बदलेगा लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है जब हम 200 सौ टेस्टला पे जाएंगे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ले आएंगे तो सर ये वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि ये प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे ही तो डिपेंड करती है ये बदलेंगे तो वो बदल जाएगा वो बदलेगा तो शिफ्ट बदल जाएगा तो दिक्कत आ रही थी सर हमने क्या किया हमने शिफ्ट और इसकी एक्सटर्नल का रेशियो ले लिया जब रेशियो लिया तो ये रेशियो हमेशा सेम आता है सर तो बस उसी को एक नई क्वांटिटी नाम दे दी हमने बोला ये केमिकल शिफ्ट के नाम से जाना जाएगा और केमिकल शिफ्ट हुआ क्या ये बना शिफ्ट डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में यूज करना अच्छी बात नहीं थी हमने टेस्ला को कन्वर्ट कर लिया मेगा हर्ट में इसी को बोला गया ये मशीन की अपनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी याद करो जब भी कभी लैब में काम किया होगा तो आप जाते हो अगर कोई अच्छी लैब में गए होगे तो वहां तीन सौ की भी मशीन होगी वहां पांच सौ की भी मशीन होगी और इससे ज्यादा तो मुश्किल है कि कोई इंस्टीट्यूट इतना रख पाएगा क्योंकि बहुत महंगा आता है

पीकोमीटर नहीं नहीं पीकोमीटर नहीं है ये पार्ट्स पर मिलियन है अरे स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या चलें आगे सवाल तो क्या ही है एग्जाम के सवाल तो तुम यूं उड़ा दोगे यूं चले अब इस पे देखते हैं कि टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं चले आगे देखो यहां लिखो टाइप वन का न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है वो बोलेगा मान लो केमिकल शिफ्ट कितना है दो पीपीएम मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है डेढ़ सौ मेगा जिनको पीछे की कहानियां नहीं समझ में आती हैं उनको ये समझ में आना चाहिए और बोलेगा शिफ्ट बताओ ये क्या है केमिकल शिफ्ट दे दिया मशीन की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी दे दी और शिफ्ट पूछ रहा है यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है शिफ्ट हमेशा किस में निकलता है हट्स में बताइए क्या होगा जल्दी बताओ इतना समय नहीं है हमारे पास केमिकल शिफ्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है डेल्टा से यहां नहीं लिखा है तो लिख लो इतना होगा सर सिंपल है ना केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू शिफ्ट डिवाइडेड बाई मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या शिफ्ट निकालना है तो केमिकल शिफ्ट यानी टू पीपीएम यूनिट्स हमेशा लिखिए इनटू मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी डेढ़ सौ मेगा अब देखिए ppm एम इस टेन रेस्ट पर माइनस सिक्स मेगा इस टेन रेस्ट पर प्लस सिक्स कैंसिल हो गया पंद्रह दोनी तीस तीन सौ हर्ट्स आ गया और शिफ्ट हमेशा आना किस में चाहिए हर्ट्स में आना चाहिए सर तो हर्ट्स में निकाल दिया कोई समस्या बताइए कोई समस्या नहीं है सर टाइप टू का न्यूमेरिकल देखिए मान लीजिए कह रहा है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी किसी एच ए का कितना है दो सौ हर्ट से ठीक है कह रहा है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी उसी मशीन पर किसी टीएमएस का कितना है मान लीजिए कह रहा है 100 हर्ट से आपको दिया हुआ है मशीन की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो दो सौ से मशीन की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो दो सौ से आपसे पूछा है केमिकल शिफ्ट बताइए किसी एच ए प्रोटोन का शिफ्ट प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है टीएमएस का दिया हुआ है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपसे पूछा क्या है केमिकल शिफ्ट सर सर ये ये भी भी कोई सवाल है है केमिकल केमिकल शिफ्ट 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 इज इक्वल टू क्या होता है? सर किसी प्रोटॉन का माइनस टीएमएस का केमिकल शिफ्ट डिवाइडेड बाय मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 100 डिवाइडेड बाय 200 सर काट दीजिए 0.5 यूनिट का ध्यान रखिएगा पीपीएम यूनिट कैसे आई होगी देखना जरा यहां से ऊपर से क्या आएगा हर्ट्स नीचे से क्या आएगा मेगा हर्ट्स हर्ट से हर्ट्स कैंसिल मेगा ऊपर जाएगा पीपीएम बोलिए समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया एक सवाल करेंगे आप लोग ये लीजिए एक प्रीवियस ईयर सवाल गेट 2019 करिए जरा गेट हो नेट हो सेट हो कोई भी एग्जाम हो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन कहीं से भी पूछ ले आप हर एक सवाल बना पाएंगे बसरते वो एक्सट्रीम लेवल पे ना चला जाए कैलकुलेट करिए बताइए सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं क्या बात है सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है कह रहा है इन 400 मेगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्स वन स्पेक्ट्रोमीटर 400 मेगाहर्ट्ज़ का एक वन एच स्पेक्ट्रोमीटर है प्रोटॉन रेजोनेट करता है 1560 हर्ट्ज हायर देन दैट ऑफ टेट्रामिथाइल साइलेन टीएमएस से इतना आगे है कितना 1560 द केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रोटॉन्स जब सब ब्लैंक हो जाए एकदम कुछ नहीं याद आ रहा तो केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला याद करिए केमिकल शिफ्ट इज एक्चुअली इक्वल टू याद करिए मैंने क्या पढ़ाया था सर ने पढ़ाया था कि ये होता है शिफ्ट डिवाइडेड बाय मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या होगा टीएमएस का कह रहा है जीरो है ये जीरो से कितना आगे है 1560 यानी शिफ्ट की वैल्यू यही हो जाएगी 1560 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 400 सौ मेगा की वन एच एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है ये और कुछ नहीं मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है डिवाइड करिए हर्ट से हर्ट कैंसिल हो जाएगा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा वैल्यू कितनी आ रही है थ्री पॉइंट नाइन पी पी एम आ रही है सर बोलिए बात समझ में आ रही है मान लो मान लो एग्जाम के अंदर आप ये भी भूल गए कुछ नहीं याद है ब्लैंक बैठे हो तो मैं कह रहा हूं ये सवाल यूनिट से सॉल्व हो जाएगा तुम्हें तो पता है क्या पूछा है केमिकल शिफ्ट अब दिमाग कैसे लगाते हैं ये सुनो तुम्हें पता है केमिकल शिफ्ट निकालना है केमिकल शिफ्ट की यूनिट क्या होती है पीपीएम आपके पास दो चीजें हैं इनको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें क्या करें कि ये पीपीएम बन जाए तो मुझे पता लगा कि अगर मैं हर्ट्स को ऊपर रखूं और मेगा हर्ट्स को नीचे रखूं तो ये अपने आप पीपीएम दे देता है तो मैं आंख बंद करूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और लिखूंगा आ, सबसे ऊपर क्या पंद्रह सौ साठ क्योंकि मुझे पीपीएम बनाना है ना तो 1560 हर्ट्ज की वैल्यू ऊपर और नीचे रखूंगा 400 सौ मेगा हर्ट से के मुझे कई बार सवाल निकाल ले जाते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने जैम दिया था जैम के जो एनर्टी सेक्शन है कोई सारी में फॉर्मूला भूल गया लेकिन मुझे पता था यूनिट कैसे बनानी है मैंने तीन चार यूनिटों को ऐसे सजाया और अपने आप निकाल के बता दिया आंसर और वो आंसर सही भी हो गया देखो आपने ऐसे अरेंज किया ये एक्चुअली आपने फॉर्मूले में अरेंज कर दिया समझ रहे हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना होता है फॉर्मूला याद है फॉर्मूले से करिए फॉर्मूला नहीं याद है ऐसे करिए यूनिट से करिए जैसे मन करिए तैसे करिए लेकिन कर क्या एग्जाम में हो जाएगा ये समझ में आया सभी को केमिकल शिफ्ट क्या होता है शिफ्ट डिवाइडेड बाई मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है शिफ्ट क्या होता है uh, क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे जो प्रसेशनल फ्रीक्वेंसी या जिस पे रेजोनेट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी वो माइनस प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस टीएमएस की जो भी दिया अगर जीरो दिया तो जीरो रख दिया हमने कुछ दिया तो कुछ रख दीजिए समझ में आ रहा है क्या और इनटेक की क्षमता है या ढक्कन बंद हो गया है बताइएगा और ले सकते हैं या बस हो गया चलिए आज मैं इतना ही रखता हूं अब जो जो मैंने कराया है अगर आपने कल लेक्चर रिवाइज करके नहीं आए मैं कह रहा हूं फ्लैट हो जाएंगे आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है आपको समझ में आया है इसको रिवाइज करके बैठिएगा कल के लेक्चर में जो होमवर्क दिए हैं दो न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करके आइएगा ठीक है Now unmuted.

केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू शिफ्ट और शिफ्ट क्या होता है प्रसेसशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी प्रोटॉन माइनस प्रसेसशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस डिवाइडेड बाई मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी थी 200 तो 200 यहां रख दिया टीएमएस का दिया हुआ है 100 तो 100 रख दिया नहीं दिया तो 0 अगर 0 लिख के दिया तो 0 समझ रहे डिवाइडेड बाय मशीन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तो 100 डिवाइडेड बाय 200.5 मान लीजिए कि इसमें आप भूल जाते तो आपको कुछ नहीं करना था मेगा नीचे रहेगा हमेशा और हर्ट्स हमेशा ऊपर रहेगा अगर ये याद रह जाता कि डिफरेंस होता है तो 200 में से 100 घटा के 100 लिख देते और नीचे लिख देते क्या 200 सौ मेगा हर्ट्स मे हर्ट से हर्ट्स कट जाता पीपीएम बना देते यूनिट से पीपीएम बनाना सीखिए ठीक है ठीक है सुष्मिता देखते हैं हम ठीक है चेक करते हैं हम सर यस सर ये शिप बेस क्या होता है किफ बेस क्या होता है आगे देखते हैं इसके बारे में ठीक है थोड़ा बहुत आ, देख लेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट एनएमआर के अंदर होता है एक, एक पूरा टॉपिक होता है ठीक है ओके सर सर थैंक यू ठीक है चलिए आज का कार्यक्रम यही रोक रहे हैं बाकी के कार्यक्रम करेंगे कल ग्राफ व्राफ डिस्कस करेंगे फिर वो वाला पोर्शन आ जाएगा थैंक यू सो मच एवरीवन प्लीज रिवाइज योर लेक्चर्स शुक्रिया यू आर नाउ म्यूटेड यू आर नाउ अनम्यूरिड ये क्या लिख दिया भाई पैरा रोसुल रोस्वलेन, हाइड्रोक्लोराइड डोलिन ठीक skip... okay. mm -hmm. है भाई <laughs> देख लो भाई बताया किसी ने स्कीप बेस आपको किसने पूछा था अनुराग आपने पूछा था क्या चलो अनुराग सला चलिए ठीक है योर नाम यूर